आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, म्यूजियम से 10 करोड़ के हीरों की चोरी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, म्यूजियम से 10 करोड़ के हीरों की चोरी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये सब क्या हो रहा है शहर में? सर, जिस तरह से एग्जीबिशन के लास्ट डे हीरों की चोरी हुई है, मुझे लगता है इसमें जरूर कोई बड़ी गैंग का हाथ है। ये सब तो मैं भी जानता हूँ, बट व्हाट आर यू गाइस डूइंग अबाउट इट? सर, शहर के चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है। सर, ट्रेन, बसेस, एयरपोर्ट, रोडवेज, सभी की तलाशी ली जा रही है। व्हाटएवर, वो जो कोई भी हो, जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। आई वांट रिजल्ट्स। जी अपना हैदराबाद। हाँ बाबा, कितने हो गए? 200 रुपए साहब। 200 रुपए? बस इतने ही? अस्सलाम वालेकुम चिचा। वालेकुम सलाम खालिद भैया, कब आए सऊदी से? अब भी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ चिचा। बाबा, 5 साल में क्या बदल गया? मगर चिचा, तुम नहीं बदले, मैं जैसा छोड़ के गया बिल्कुल वैसे छे, उल्टा और स्मार्ट दिख रहे हैं। तेरी चाची के गुजरने के बाद बेटा, मैं बहुत परेशान था। क्या मार डाले साहब मेरे पैसे? अरे दे रहो मियाँ। चिचा, मेरा मतलब था चची कैसा मरे? अरे बेटा, कैंसर होको नहीं मर गई। अरे रे रे रे, फिर आपका कैसा चिचा? बहुत सोच सोच को अब दूसरी चची करको लायो, देखो अब बहुत मजे में हूँ। अरे साहब, रातब के बच्चों को लाने जाना है। अरे ठहर मियाँ, वो बुड्ढा घोड़ी चढ़ा कते, जरा पूछेंगे कैसा चढ़ा। अच्छा चीचा, ये उम्र में? अरे ये उम्र में तो अरमान बहुत जागते हैं बेटा। अरे बेटा, बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए, वो कुलाटी मारना भूलता ही नहीं। देखेंगे ना चीचा, देखेंगे, तुम कुलाटी मारते या कोई और? क्या बोला रे? नहीं चीचा, चच्ची कौली है क्या? अरे जलील हराम के, तू नहीं सुधरेगा। मैं कौली को तो भी कर को लाता हूँ, पख्ती को तो भी कर को लाता हूँ, तेरी कहीं को जल रही रे। सही बोलते, छिचोरे लौंडो के मुंह को नहीं लगना, नहीं सुधरेंगे रे साले तुम लोग। अरे चीचा, दिल पे न कोलो, दिल पे। अरे साहब, मेरे पैसे दो। अरे क्या बेचैन पुतला है रे मियां, ये ले। अरे यहाँ नहीं चलता साहब, यहाँ गांधी चलता, गांधी। अरे सऊदी से आ रहा हूँ बाबा, क्या समझ रहा, घर को जाके लेके आके देता हूँ, ठहर यहाँ पर। ए खाले चिटर, फिर आया? आप किसकी मार के आया? तेरे बाबा की। अम्मा, नहीं बोलता हूँ, किस किस की मार के आया? तेरी माँ का खरबूज मारे, कहाँ कहाँ से क्या आ गए लौंडे? क्या तू भी है भैया, इन्हें निकलने का नाम इश नहीं ले रहा। सुबह सुबह किसकी तुम्हें सूरत देख के निकला रे मैं? इसकी ऐसी की तैसी, अरे कहां तो भी फंस गया रे मैं। काम छोड़ के इसकी चौकीदारी करना पड़ा, अब तो घर पे जाके खटका ही मारना पड़ेगा। साहब, हमारे साहब, अम्मा इतना बड़ा धोखा, मेरे को चकमा देके निकल जाता तू, पैसे दे दो बोल के ये नाले की सड़ी मत पोसूंगा था।
अरे मैं सोचा दरवाजा खोलते दीवान खाना होगा, ये जगह तो पैखाने से ज्यादा पत्थर है। मैं इतना बड़ा धोखेबाज अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तू मेरे को मिला ना यही नाले में डुबा के मार डाल दो। अरे चलने को जगह नहीं है, तू गया के तरह क्या तीर लेते मैं गया तू यहाँ से। तू जिस दिन मेरे को मिला ना ऑटो के नीचे डाल के गुजर जाता हूँ, नहीं तो शर्फो नाम ने मेरा देख लूंगा, नहीं तो मैं भी एक बाप की औलाद नहीं रे। ये बता कोई फोन ना लेटर कहीं कोई बड़ा हाथ तो नहीं मार गया? अब बहन दे भाई जख्म को नको खिकर। लेकिन तू सही टाइम पे आया बाप, अपने को एक डायरेक्टर 10 लाख रुपए लेके हीरो बनाने को तैयार है। ऐसा 10 लाख रुपए दो और अपने आप को 70 mm पे देखो। आबा आके 10 मिनट ने हुआ अभी से गेरा डालना शुरू कर दिया। अरे बाहर से आए तो खाली हाथ आते यारो, ऐसा जेब में हाथ डाले तो 1000 ने तो 500 गिनना। ऐसा कैसा काम है रे जो पैसे दे के करना पड़ता? फिल्म लाइन में दे के आना पड़ता भाई, बस एक बार हीरो बन जाऊं फिर पैसों की बारिश ही बारिश। भाई गन भूखे की भूखा मारा तो घस खा के गिरा करते, और तेरे को हीरो बनने की सुधरी रे? अरे रहने दो साथ, तुम और खाली हाथ, तुमको मेरे से अच्छा कोई जानता? अब कैसा बोलू रे भाई, साला एक मच्छर मेरी लई पूरी बैगन में मिला दिया रे। अरे वो नाना पटेकर वाला मच्छर क्या उस्ताद? अरे नहीं रे भाई मेरी बात तो सुन, मेरी आंख में मच्छर चले गया, मारे दर्द की आंख खुल बंद हो रही थी, शेख समझा उसकी जोरू को मैं आंख मारा, 100 रियाल जेब में डाला, सीधा खुरुज मार के वापस भी जा दिया रे। अच्छा वाह वाह वाह, तुम्हारी आंखें छोटी बड़ी हुई, अगर कुछ और छोटा बड़ा हो जाता तो जगह से ही गायब हो जाता था। अरे सही बोलो रे, समझ एक मच्छर तुम्हारे को पिंडे में मिला दिया मामा, अब जाने दो फिकर नको करो कि आज हो पड़ी क्या मैदान। वोचरे अपना पुराना काम। बिल्कुल जाने दे, अब तू फिकर मत कर, तू आ गया अपन दोनों मिलके पुराना काम शुरू करेंगे, खूब कमाएंगे, अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे, टेंशन लेने का नहीं रे, टेंशन देने का। चल पी ले नींबू पानी फटाफट। अच्छा ये बोल, अब भी तू बोला तेरे पास पैसे नहीं है बोल के, ये नींबू कहां से ला रहे? रामलू दुकान खोला अभी, सदके में 2 नींबू वार के फेंका, काम चलाने के वास्ते ला लिया, पीले जी को ठंडा रख, फिर मिलेंगी नौकरी, फिर खरीदेंगे बंदूक। अरे ये सदके के नींबू हटा यहाँ से हटा। अच्छा ये बोल अपना अनुज क्या कर रहा आजकल? You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said. Morning, sweetheart. Good morning, John. Hi, love. Oh, morning coffee. वो भी तुम पर सच अनुज तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगे हो क्यों मेरे प्यार में कोई कमी या खोट नजर आई तुम्हें थोड़ा सा अच्छा वो भी अब दिखाई दे रहा तुम्हें हाँ मत आ आज तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें कम कैच मी फिर तो अपने खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी होगी और स्वीटर्ट उसके बाद तो जलवे I know, मैं भी चाहती हूँ तुम तरक्की करो लाइफ में बिकॉज इवन आई वॉन्ट टू बी सिक्योर इन लाइफ क्या मतलब कहना क्या चाहती हो तुम अनुज प्लीज नहीं क्या तुम मेरे साथ सिक्योर नहीं हो मेरा मतलब वो नहीं था यार तो फिर क्या संजना हम जिस तरह की रिलेशनशिप में जी रहे हैं मैंने कभी कोई दबाव डाला या फिर कोई जोर जबरदस्ती की मैं तो तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए ये तो तुम ही हो जो कि कमिटमेंट में नहीं बनना चाहती प्लीज यार अनुज मैं शादी जैसे बंधन में बंधकर अपने करियर और आजादी खो नहीं सकती हूँ अरे मैं कब कह रहा हूँ कि ये मत करो वो मत करो इनफैक्ट शादी के बाद तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम चाहती हो स्टॉप इट अनुज व्हाट द हेल शादी 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 और क्या है क्या हमारे पास आर वी रियली सिक्योर्ड इन लाइफ नो क्या बैंक बैलेंस है तुम्हारा 10 lakhs 20 lakhs एंड अनुज प्लीज ग्रो अप इन लाइफ बी प्रैक्टिकल शादी ही सब कुछ नहीं है एंड प्लीज नेक्स्ट टाइम मैं शादी जैसे टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ लेट्स गेट रेडी मुस्कान आप वो मैं चाय लाई थी आपके लिए इसकी क्या जरूरत थी पड़ोसी का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा कितनी अच्छी है मुस्कान आप सच्ची आपको देखते ही मेरी पूरी बॉडी थर्र कांपती सच्ची मुची अल्लाह आप बातें करें तो ऐसा दिखता जैसा लता मंगेशकर गाना गा रही अल्लाह आपकी ऐसी बातें सुन के मेरे को शर्म आ रही आपको शर्माते हुए देख के मेरे को भी शर्म आ रही आए हाय अब आप भी शर्माए तो कैसा होगा हाँ नको तो तुम्हारे दोस्त उठ जाएंगे छोड़ो प्लीज मैं किसी भी नहीं डरता अरे देखो वो उठ जाएंगे बच जा रे
कब से पड़े रहे तेरे को अमीरों के शौक है ये? अब क्या करूं उस्ताद, उनके सामने तो जबान नहीं खुलती, अब जो करना है वो ख्वाबों में कर लेना है। कौन डाला रे तेरे को ये आड़े तेड़े शौक है ये? अपनी मुस्कान उस्ताद। वो शोले की मोहब्बत, 5 साल से तू खाली उसको घूर रहा, तेरी उम्र के पुट्टों के शादियां हो गए, किसी को 4 पुट्टे तो किसी को 6 पुट्टियां हो गए, तू उसको घूर रहा, सो घूर रहा, तेरी माँ का जट्टा मारे। उस्ताद वो साफ मोहब्बत है ना उस्ताद, अब चलो उनके आने का टाइम हो गया। बच गया रे मैं, अम्मा ने तो क्या होता था कि क्या नहीं की। आई अब्बा। मगर एक बात है बाप, एक मुस्कान की जवानी देखा और रेखा की जवानी देखा, साला ढलने का नाम ही नहीं है, एकदम टन टनाटन है। दोस्तों के माल पे नियत खराब नहीं करते उस्ताद, तुम्हारी होने वाली भाभी है वो। अरे ये रुखा सुखा सीन देख देख के मेरे आँखा पक गए, तू हरे तेरी जिंदगी पे। 21वीं सदी में 70 के मॉडल आजकल के पुट्टों को देख कितने एडवांस है, और तू लकीर का फकीर चौखट पे बैठ के अम्मा दे बरा खाली। लगी 10-10 की गाड़ी मार खाई हुई है, तेरे को कैसा मालूम रे? देपरा नहीं, दोनों मटगाड़ा कैसा मार ले रहे, लब डब लब डब लब डब लब डब। आई देख रहा बुड्ढों को, आखिरी रील में भी आंखा सेक रही। अरे खालिद तू कब आया? अरे सलाम चाऊश। वालेकुम सलाम खालिद मियां, कैफल हाला? अल्हम्दुलिल्लाह, माफी मुश्किल या अल्लाह रह। देख रहे चाऊश बासी कड़ी में कैसा उबाल आ रहा। इनके बातें सुन सुन के मेरे काना पक गए रे, और बाजू का हिजड़ा शादी करके चले गया। अरे अरे वो आखिरी रील ठहरो रे। अरे सही बोल रहे चाऊश तुम, आजकल के बुड्ढे भी बहुत खराब हो गए। अरे तू बहुत सीधा है, जिलबी के जैसा घुमाऊ, 6 महीने से घुमा रहा मेरे को, खालिद किराए के पैसे भेज रहा बोल के, अब खालिद खुद ही चाह गया ना रे। अरे चाऊश कार्गो से पैसे आ रहे हैं, वो आते किराया ऐसा दे देता हूँ। अरे मेरे सामने ये सोप बेहोशियारी के बात आना को कर मुन्ना, इसका मतलब है तू भी लंगे का भाई चंगा बन के आया। अरे चाऊश फिकर नको करो, पैसे आने वाले हैं। तू बहुत बड़ा चीटर है रे, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। यार को सीडी बोलते क्या चाऊश डिच्चा, एक मारा ना जिप बोल के पिशानी फट, 6 इंच की जिप। बोले तो यहाँ से यहाँ तक टाके बाबू। अरे तुम ऑर्डरिंग कही कुछ, तुम्हारा आगे रहा कहाँ जाता, आज नहीं तो कल मिल जाता ना। वैसे भी तुम्हारे को बच्चा ना कच्चा, जी को रखो अच्छा। ये आजकल आजकल की चक्कर में महेश निकल गया तो ऐसा नको बोलो चाऊश, सलीम लंगड़े की भी उम्र तुम्हारे को लग जाए। सलीम लंगड़ा? अरे उन्हें तो मर गया ना। अरे वो सब जान दो चाऊश, अपना सही टाइम चला ना, ये तुम्हारी बिल्डिंग मैं खरीद लेता हूँ। अरे तेरे ये बड़े बड़े बातें छोड़, 1 हफ्ते में किराया आ जाना, नहीं तो पूरा सामान उठा के बाहर फेंक देता हूँ, समझा मुन्ना? लल्लू उस्ताद का पट्टा हूँ, बिच्चे के साथ साथ ये भी चलता ये भी चलता, समझ गए ना मुन्ना? मैंने से हाथ पे ले रही पुट्टा, समझ रहे मेरे को? ये बुड्ढे का तो काम करना पड़ेगा रे। सही बोल रहे हैं उस्ताद, इससे बड़ा हराम का मैं आज तक नहीं देखा। चल इतना बड़ा कारनामा, शहर की सबसे बड़ी रॉबरी, 10 करोड़ के हीरे,
किराक पाशा शाबाश 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 क्या शातिर दिमाग है तेरा पैदल नरसिम्हा ये इतना बड़ा कारनामा कौन करे रे तू बोल रे तुम पहलवान तुम क्या होता रे नाम क्या है मेरा किराक साले दो पैसे की औकात ने मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मेरा नाम लेता मेरे को किराक बोलता तेरी हैसियत क्या रे तुम्हें बोला बोला ना मैं क्या बोला मैं तेरे को बोलता कुत्ता है तू खड़के एक पाव पे मुत्ता क्या नहीं ना ए कुलाली आईली मैं सही बोला ना मैं हमेशा सही बोलता मैं कभी झूठ बोला क्या नहीं तो मेरे में तुम लोगों में फर्क क्या रे चल बोल क्या अच्छा बोल ना को तू खाली मेरे को शाबाशी दे पीट थप थप आ रे अबे मेरे की रेबान पे हाथ डालता तू साले टकलू कुलाड़े मेरे टुकड़ों पे पलने वाला कल का लौंडा दफा हो जा रे दफा जा पहलान इन खदों को जाफरान की क्या खदर गफूर किच्ची मेरे बच्चे मेरा कलेजा खुश किया रे इतने सारे गधों के बीच में तू चेक मेरा घोड़ा बल्कि लंबी रेस का घोड़ा भी ये हीरो की डिलीवरी एक बार हटेला की पार्टी को डिलीवरी करना तेरी जिम्मेदारी रे पलान फिक्र मत करो ये गफूर अपनी जान दे देगा पर ये हीरे किसी और के हाथ को लगने नहीं दूंगा तेरे से मेरे को यही उम्मीद रे क्यों के दूध बाउली के इकबाल हटेले से मेरे को फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुका दूध बाउली अरे बाउले आजकल पुलिस टेलीफोन आके टेप रिकॉर्डिंग का बहुत कर रही इसलिए मैं दुबई को दूध बाउली बोला ओहो ओहो क्या औलाद बात सुन तू गड़बड़ किया तो मैं क्या करता मालूम पलन क्या काट के छोटे 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 टुकड़े बना के थैले में डाल देते ऐसे दो दर्जन थैले मेरे गोडाउन में पड़े हुए हैं समझा सलाम अलैकुम सलाम मुड़ के देख बात सलाम अलैकुम उशाता साहब गुस्ताखी ब्राव आप मुंह मीठा कीजिए जी क्या हुआ मिली कोई पट्टी कोशिश कर रहा हूँ पहलान आप फिकर कई को कर रही पहलान मैं मुशाता बनाऊ आपके लिए आपको तो आंख मुझ के कोई भी पट्टी देगा आंख मुझ के पट्टी को कुएं में डाल देते कहते पर मेरे को नहीं दे रहे उन्हों गंडा हो ना कुछ करो साहब आखिर एक पट्टी तो मांग रहा हूँ मैं मगर पहलान जहां भी शादी की बात छेड़ता हूँ बच्चा पढ़ा लिखा होना बोल रही अम्मा बोलती थी पाशा पढ़ ले मेरे स्कूल में दाखला भी कराया उन्होंने लेकिन स्कूल की किताबों को रद्दी के भाव में बेच के मैं बॉक्सिंग के मैच देख लेता था इसलिए लिखा पढ़ा नहीं हुआ मैं गिरा पड़ा हुआ अच्छा तू यहाँ क्यों आया रे पहलान आज चंपा पेट में शादी है मैं जमाया हूँ क्या मालूम आज आपके भी नसीब खुल जाए मुबारक अब क्या हुआ अरे पिंडे के बाल क्या खवालों की तरह एक हाथ कान पे रखा और एक हाथ में कोप लेके मेरे को मुबारकबादियां दे रहे थे अरे हर शादी में ये शादी का जोड़ा पहन के जाता हूँ सोच के कि वहां ओरिजिनल दूल्हे की किरकिरी हो जाएंगी और उसकी जगह पे मैं दूल्हा बन के पट्टी घर में लाऊंगा रे यूं मत कर ज्यादा यूं करेगा तो मैं तेरे घर में आ जाऊंगा कुलाड़ी तेरी जोरू की बहुत तारीफ करता हूं जा रहा हूं गधो चलो आज चंपा पेट में जाके ट्राई मारते हैं
सुबह मूड की ऐसी की तैसी हो गई। अरे मूड का छोड़, वो चाहो उसके किराए का सोच। अरे जो भी होगा देख लेंगे। उस्ताद चलो कुछ मूड बनाते। Baby, I'm ready. Oh, baby. आईने में अपनी शक्ल देखा क्या रे कमीने? अबा, ऐसा तू कौन सी ऐश्वर्या राय है चपटी चवन्नी? चल हट कमीने। हट। साथ देख रही, आजकल टेढ़ी बिंगिया भी कितना भाव खा रहे? दिल पे नको ले रे लड्डू, पूरी बुम्बल मच्छी के जैसी है देख। ना अगला बड़ा है ना पिछला। अरे नहीं सुखी बद्दा है। क्या बोला रे सुखी बद्दा? माल है क्या रे जेब में? कैकू दिखाती हूँ अपने जलवे, देखा ना तो बौरान हो जाना। चल कहाँ चलता की चल। अरे जा जा, बुक्का जानवर सुक्का पत्ता खाता, हम ताजा कोहला पत्ता खाने वालों में से है। अरे जेब में लाल खान ही है तो बाल खान की काम बात करता है। चल हट। अरे जा भाई जा। क्या करेंगे उस्ताद, पूरी दुनिया को मालूम हो जा रहा अपन लंगे के भाई चंगे है बोल के। हाँ भाई मैं आ गया, कौन सा फ्लोर? हाँ बस अभी आ रहा हूँ मैं। दिल पे न कोले मियां, गुर्दे पर रख के निकाल दे। चलो ठीक है दीवार तोड़ के आता हूँ। अरे टाइम नहीं टेबल नहीं, जब देखो जब आता क्या मेरे तेरे को। आ गया अपना शिकार। चल अरे लड्डू गाड़ी तो जबरन दिख रही, चाबी तो निकाल डुप्लीकेट। उस्ताद पहले से लगी हुई है, बेवकूफ भूल के गया। अरे हो मियां चल भाई। देखे गिच्ची का कारनामा। अरे अरे मेरी गाड़ी। अरे आप ही बोले ना साहब सिगरेट लाओ बोल के, अब भी लेके आ तो ठहरो यहाँ पे। अभी आ रहे पांच सिगरेट में। देख देख देख। अरे रोको रे रोको, अरे कोई रोको, अरे मेरी गाड़ी, अरे अरे रोको रे कोई रोको, मेरे 10 करोड़ के हीरे, मैं बर्बाद हो गया। आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं, हीरो का कुछ पता नहीं चला, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? इंस्पेक्टर सागर बैग रिपोर्टिंग सर। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये यहीं के लोगों का काम है या कोई बाहर की गैंग इन्वॉल्व है? सर अभी तक तो हमें कोई सुराग नहीं मिला है, जैसे ही पता चलेगा ये केस सॉल्व करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मिस्टर सागर आपकी क्या रिपोर्ट है? सर मुझे मालूम हुआ है इस काम में पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है सर। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम लोग मिले हुए हैं? मैं ऐसा थोड़ा ही बोला। मिस्टर साबिर आर यू ऑल राइट? आई एम फाइन सर। सिट प्रॉपर्ली, क्या प्रॉब्लम है मिस्टर साबिर? आज से इस केस के इंचार्ज आप हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके सर। वन सेकंड मिस्टर साबिर। ओफो, यहाँ आने से पहले सारे काम निपटा लिया कीजिए। नाउ यू कैन गो, और जाते जाते जरा पियून को भिजाइए। ओके सर। सही बोला मामा, चाऊश के किराए का टेंशन भी खत्म हो जाता, अपने भी हालात थोड़े दिन तक जबरदस्त गुजरते देख। अरे ऐश करेंगे ऐश। अच्छा गाड़ी है वाप, हवा में बाता करी देख, 20-25 हजार तो इसके आते जाते अपने को। 25? अरे हो मियां आए। रुको रुको, राज जमेदार साहब आजकल लॉ एंड ऑर्डर वाले भी चालान कर रहे हैं। अरे मियां इन्हें तो न्यायिक दिख रहा है रो। आए हाउ साहब डिस्ट्रिक्ट से आया, डराओ डर के छोड़ देता। ऐसा क्या साहब, मेरे को नहीं पहचाने? लाइसेंस। ACP इकबाल साहब अपने मामू है, अपनी बिरादरी को चालान। कानून सबके लिए बराबर। RC। RC ना BC, एक पैसा नहीं है अपने पास। खालिद बोलते अपने को 100। क्या 100? हैदराबाद के पूरे पहलवानों के साथ उठना बैठना है अपना क्या? 200। हमसे मिलके रहो साहब, फायदे में रहेंगे। 500। ज्यादा बोले तो वो तारे उतरवा लेता हूँ। 1000। अरे मैं क्या बोलूँ सुने नहीं आ रहा। 1500। अरे साहब आप तो इंस्पेक्टर से जज बन गए। 2000। अरे 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 अबे सुबह ज्यादा बोले तो कपड़े भी उतार लेता, पहले बैगन की मेरी में अंडर में नहीं पहना। क्या तू भी अब चल देखते हैं। चल साहब
बच्चा है साहब, माफ कर दो साहब। जा, अब तुम्हारे पूरे खानदान को लेके आ, मेरे तारे कैसे उतारता ये मैं देखता हूँ। साहब साहब प्लीज साहब, अबे तू भी बोलना। साहब साहब मुंह को आया बोल दिया साहब। अभी चोरी ने तो गाड़ी के साथ साथ अपने को भी अंदर कर देते। कांस्टेबल गाड़ी सीज करो। अच्छा साहब। अभी वो देख अनुज। अबे लड्डू तू कैसा है? तू कैसा है मामा? अबे खाली चीटर, तू कब आया? परसों चाया मामा। हैदराबाद का परसों? संजना मीट माय फ्रेंड लड्डू एंड खालिद। अरे यार तुम तीनों की तस्वीर है घर पर। ओ या, या। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? एकदम फर्स्ट क्लास टनाटन। और ये संजना, हम दोनों एक साथ काम करते हैं और साथ ही रहते हैं। अच्छा है। या वो तो मैं भी सुन रहा हूँ, पर तुम लोगों का शादी आदि करने का इरादा है या नहीं है? ओ प्लीज नॉट अगेन। अच्छा ये बताओ क्या लोगे तुम लोग? अब्बा भूत भूख लग रही है यारो, अब भूखे मारे मेरा दम निकल जाता। मियाँ बर्गर खाएगा? ये बनमास का कौन खाते रे? अपने को तो नारी पाए कुलचे हो ना, जब तक के दबा के खा के काड़ी नहीं करे तो मजा नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं चिकन रोस्ट लाता हूँ। पूरे चार प्लेट मामा। इतना खाएगा? अरे वेस्ट करे तो बोला मामा। ओके ओके अनुज मैं जाकर लेकर आती हूँ। अरे मियाँ उसको बोल पूरे कपड़े पहनो बोल के, वो आधे कपड़े पहने तो बार बार पब्लिक की नजर उधर ही जा रही। अरे नहीं मियाँ मैं तो बर्गरों की देख रहा था, तुमको नहीं मालूम मैं कितना भूखा हूँ? हाँ सुबह सुबह देखा मैं कितनी देर को भूख है। और खालिद तू अचानक? बाप मेरी लंबी स्टोरी है, बाद में सुनाता हूँ। तुम्हारी स्टोरी में शादी वादी है नहीं है यार? तू बार बार शादी का नाम मत ले, शादी का नाम सुनते ही भड़क जाती है। अरे बाप रे मर गया, चुप कर आ रही है वो। हमला चाहते मामा, भूख मर गए, चिकन करने खाते चल रहे। देखो आप गलत नको समझो, हमला शादी वादी की बात नहीं कर रहे थे। यार तू फिर शादी की बात मत कर यार। एक मिनट, कौन है वो? अरे लड्डू तेरे को देखते इन पेट से तो नहीं हो जाती? थू इसकी। जा मेरे शेर जा, घुस जा लड्डू। अरे देखा नहीं मुस्कान क्या स्टाइल से सिग्नल दी, जाओ ट्रूट। क्या मतलब उस्ताद? बावा नहीं है बोल के तवा गरम है, जाके रोटियां सेक डाल। ऐसा क्या उस्ताद? जा छोटू घुस जा। डिंबल के आया शेर, गल्ले में से आया शेर, घुसपिट के आया शेर। अरे चल छोटू उठ उठ। अरे भाई हूं ना हूं, डर्रा गई। अरे चल मियां, चल चल चल। अरे इनका से आ गया। अरे ठहर अरे ठहर अरे बेटा, रनिंग सिखा तो। हाँ कौन है? बाप रे बाप, ये बड़े मियां देख लेते तो मर जाता, साला चीटर भी हाथ दे दिया मेरे को। आ बेटा अब मेरे साथ सीढ़ियां गिन, एक दो तीन चार पाँच छः। एक मिनट
तेरा मेरा कहीं का झगड़ा रे? अरे मेरे पैसे दे दे रे, मेरे पैसे दे दे। ये ले। फिर यार, अरे अरे रुक रे तू, अरे तू ये एक रियाल रखने दिखा रहा है। मुझे मिलू बना। आजा बेटा आजा। तू रुक रे सही रे। अरे तेरे को मैं नहीं छोड़ता रे। आजा आजा। अरे 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 for apple, B for ball, C for chal do. फिर बच के निकल गया रे तू। अरे कब तक बचता रे तू? एक ना एक दिन तो मेरे को मिलेगा ना, देख ले तो तेरे को। जिस दिन तू मेरे को मिला ना, ऑटो के नीचे डाल के ने तेरे को खीमा खीमा कुचल कुचल के मरा दे तो रे। अरे तू मेरे को दीवाना कर दिया, मैं क्या कर के बोल रहा हूँ रे। दो दिनों के बाद ये मौका मिला मेरी शब्बू। अरे सुन ना, अभी आता है शब्बू। अरे क्या हुआ मेरी जान, इस तरफ देख तो सही। मैं देखती। एक बार देख ना। अब्बा क्या तुम्हें है जी, आते दीवाने चलना शुरू कर देते, बस बैठ के दो मिनट बात भी नहीं करते। अरे बातें करने के वास्ते सारी उम्र पड़ी है मेरी शब्बो रानी, मेरी जान। इससे पहले दो तोले का रानी हार लाओ बोले तो दो महीने तक दिखेश नहीं, गायब हो गए। अब शब्बो याद आई। हाथ बहुत टाइट था रानी, आज नहीं तो कल लातो ना। बड़ी मुश्किल से पहले मेरी जोरू को मस्का लगा के उसकी बहन के पास भेजा और तेरे पास आने का मौका मिला। वाह 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 वाह, इतने डरते तो रहते कहीं उसके साथ, उसको तलाक देके मेरे से शादी कर लो। तेरे से शादी कर लूं? हौली हो गई क्या? अगर तेरे मर्द को मालूम हुआ ना तो तेरे साथ साथ मेरे भी टुकड़े टुकड़े कर देता। पहले ही हुंडा है साला। अरे रे 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 रे, किसका तो भी नाम ले लीजिए बीच में। छी वाह, पूरा मूड खराब कर दिए तू। अरे तू मूड खराब करी तो कैसा, तू तो मेरी रानी है, मेरी जान। हटो जी, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। अरे मेरी जान, तेरे को क्या मालूम, तू तो मेरी बुलबुल है, मेरे चिलची चिक्की, मेरी शक्कर की रोटी। चलो हटो। क्या कर? मजा आ गया। चिकन तंदूरी टंगड़ी कबाब, चिकन टिक्का बोटी कबाब, शीख कबाब, मटन मसाला, फ्राई गोश्त, 10-15 तंदूर की रोटियां, 4 प्लेट दम की बिरयानी, फ्रूट का मीठा, कद्दू की खीर, डबल का मीठा, कुर्बानी का मीठा विद आइसक्रीम के साथ खाना है। तो मैं क्या करूं रे? पैसे होना कहीं को रे? नहीं तो ये राज अपन चची के सामने बोल देते। ये काम तो भी फंस गया रे मैं। अरे खालिद मेरे लाल, मेरे हीरो, देख सीडी के होते हुए तेरे को इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? हाँ वो नहीं मालूम, 5,000 रुपये होना। अरे समझ रहे मेरे हीरो, हाँ तू सबसे चहीता है ना रे इस बस्ती में मेरा। हाँ देख सुन, देख बात सुन, तेरे को किराया जल्दी देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ आराम से देना, आराम से देना। हाँ किराया देना चाऊश, ये राज छुपाने का किराया आज से तुम मेरे को देना। चाऊश डिच्चा को ब्लैकमेल? आँखा किसको दिखा रहे हैं चाऊश? खालिद नाम है मेरा। क्या लल्लू उस्ताद के पट्टे अपन? ये भी चलता, ये भी चलता। किराया विराया भूल जाओ चाऊश, अपने पेट में भी बात नहीं टिकती, बोले बगैर चैन नहीं होता। अपन को 5,000 का फटका पड़ गया तो थोड़े दिन बाद खामोश हो जाती। अपन भी लल्लू उस्ताद के पट्टे हैं। 1, 2, 3, 4 कोई बात नहीं रे, हर कुत्ते का दिन बदलता, आज तेरा तो कल चाऊश का। ना 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 ना।
भैया? 70 रुपए। ओ साहब, ओ मेम साहब, ओ मेम साहब। हाँ? पैसे मैडम। कितना हुआ? 70 रुपए। 50 क्या दे रहे मैडम? ले ले छोटू, ले ले। अगर मेरे हत्ते लगता ना तो पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद ढूंढते रह जाता था। लो साहब, रह लो। ले ले, निकल ले, निकल ले। जान दे भाई, कहाँ का लगाइए। एक्सक्यूज मी जी, मैं आपको पहचाना नहीं। जी हम अभी अभी लखनऊ से आए हैं। लखनऊ, लखनऊ। आपका खयाम कहाँ है? हम यहाँ अपने चाचा खलील बेग जी के यहाँ रहने आए हैं। गरीब का भी गरीब खाना आपके दौलत खाने के सामने है। जी आपकी तारीफ। गरीब को खालिद कहते हैं, मगर अपनी तशनगी तो बाकी रही। आपने अपना इसम शरीफ नहीं बताया। अजी आदाब लखनऊ। आदाब हैदराबाद। अरे लूट लिया रे खालिद। मुस्कान। हाँ? कैसी हो? बहुत अच्छी। अच्छा किया जो तुम आ गई। पता है मैं तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो जाती थी, तुम्हें बहुत याद करती अच्छा थी। जी हमने भी आपको बहुत मिस किया। अब तो हम हमेशा के लिए आ गए, बस अब यहीं रहेंगे। पक्का? पक्का, कच्चा। ना कच्चा। गया बेटी। बड़े अच्छे वक्त पर पहुंची हो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। खैरियत रहो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बैठो, खाना खा लो। आप लोग खाइए, हम जरा फ्रेश होकर आते हैं। ठीक है, चल 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 चल। साथ, साथ, क्या हुआ यारो? जीने का मकसद मिल गया रे। है? ये क्या तो ही बोल रहे हैं यारो? पिंडे में मिल गया रे। मतलब? तू नहीं समझ सकता, वैसे भी तेरे को मुबारक। अब ये मुबारक बात कहेगी रे? तेरे बाप बनने की खुशी में। क्या? वो देख। अरे तेरी तो रुक 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 तू आज तो नहीं छोड़ूंगा तेरे। रुक जा, जला के दिखला आजा, जला के दिखला आजा। उठ मेरे लड्डू, मेरे मुन्नू, मेरे चुन्नू। शिकार के टाइम पे लोटा लेके बैठा क्या रे? अरे तेरे को शिकार दिख रहा रे? वो मेरे 5 साल की साफ मोहब्बत है। वो क्या है कि बाबा मेरे से ये 5 साल इंतजार करना नहीं होता। अरे देख रही मियां, देख देख बाबा। उठो माँ, उठो उठो। लगो उस्ताद, तुम खामा खा चढ़ाते रहते यारो। कब तक घूरते रहता भाई, चल मैं हूँ ना। नहीं रे भाई, मैं इसमें खुश हूँ। आप क्या घूर घूर के बच्चे पैदा करता? अरे मर्द का बच्चा बन, मर्द का बच्चा। अरे ये पर्सनालिटी किस काम की रे? चल मैं हूँ ना, फिक्र मत कर, चल तो सही चल। ऐसा परसों भी अच्छा हाथ पे लिया मियां तू, पीछे दर मेरे को छोड़ के निकल जाता। अच्छा हुआ वो बुड्ढा नहीं देखा। देखा भी तो डरना नहीं, दामाद हूँ तुम्हारा, नाम है अपना अब्बू शेर बोलना। या बेटी के सामने आवाज नहीं निकल रही, करते बुड्ढा है तो मेरी रुच खप्स हो जाती। डोंट वरी बी हैप्पी, मैं हूँ ना। चल अरे न कोरे, चल मैं चल, फिक्र न कोरे, चल जा सब तक घूमते रहता संभल के। देख आराम से आ। अरे आ जा। हां भाई चल ऊपर चल रे, चल आ जा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालिक, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना। खजाना है क्या बुड्ढे के घर में? जब देखो जब देलित में हंसदे के जैसा बैठा रहता। इसकी माँ का जट्टा मारे तेरा सुसरा। देखो उस्ताद, सुसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, जवान बेटियां यार उसकी। जरा आपकी सहेली को बुलाओ ना। अरे लड्डू जरा बोलना रे। मुस्कान प्लीज प्लीज उनको बुलाओ ना। ओके नाजिया
नाजिया क्या है मुस्कान? माशाल्लाह क्या नाम है अरो? आदाब लखनऊ। आदाब हैदराबाद। अरे पट गए रे। ख्वाबों में ख्यालों में तेरी तस्वीर नजर आती है, आँख खोलूं तो जानम तू ही तू नजर आती है। क्या बात है उस्ताद? आज सुबह सुबह सूरज तो दुनिया रोशन कर दिया, अब उनका दीदार हो जाए और मेरे दिल का जहां आबाद हो जाए। हाय, जाने क्या बात है उनमें जो पहली नजर में भाग गए, देखते ही देखते इस दिल पर छा गए। हाय अल्लाह, अब तुम्हें भी ये बीमारी लग गई। मुबारक हो उस्ताद, तुमको ही बगैर तनख्वाह की नौकरी मिल गई। मतलब आशिकी, इसमें ना तनख्वाह रहती ना छुट्टी, 24 घंटे की चौकीदारी। हाय मेरा लड्डू, खाली 5 साल से घूर है, आगे वागे बढ़ रहा नहीं, हाथ पकड़ रहा नहीं। मगर भाई हमारे खालिद मियाँ की रफ्तार तो बहुत तेज है, तो मैं क्या करूँ, नाचूं? एक बार उससे बात हो गई ना मियाँ, उसके दिल में घुस जाता हूँ। आए वो कैसा उस्ताद? उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देता हूँ, बाकी सारे पुट्टियों का कचरा कर देता हूँ। एक बार, बस एक बार हमारे कान उनके मुँह से अपनी तारीफ सुनने को तरस रहे हैं। मैं लड़की हूँ इसलिए खामोश हूँ, पर बस एक बार, हाय एक बार मेरा लड्डू खाली जबान से इतना कह दे क्या आई लव यू, बाकी सब संभाल लूंगी। भाई कमाल है, आप तो मोहब्बत में बागी हुई जा रही है। 5 साल से इंतजार कर रही हूँ, मेरा दिल जानता है। साथ तुम्हारे बातें सुन के ना मेरा दिल भी मजबूत हो रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो उससे प्यार का इजहार करना ही चाहिए, बस एक एक मौका मिल जाए उस्ताद। अबे बेखौफ मौके तलाश करता, बहादुर मौके पैदा करता। तू कई को डर रहा, मैं हूं ना तेरे साथ, चल। ये लौंडे मेरा जीना हराम कर दिए। ये गिच्ची की गिच्ची नहीं घूम रही। क्या हुआ उस्ताद? मैं सब तो किराग कर रहा। उस्ताद किराग से इतना काई को डर रहे? डरना पड़ता रहे, तेरे को नहीं मालूम किराग पहले कसाई था। काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके थैले में भर देता रहे, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। वाह, इतना खतरनाक है उस्ताद ने। अरे इंसान और जानवर में फर्क नहीं समझता साला। उस्ताद यहाँ पे एक चरपटा मार के दूसरा मार ले पट्टी। अबे भट्टू साले, एक हफ्ते से मेरी गाड़ी का पता नहीं चला सके तुम लोग। उस्ताद गाड़ी कहीं भी नहीं जाती, आज नहीं तो कल रामकोट पर ही आती। मैं सारे एजेंटों को आपका नंबर दे के रखूं, फिकर की बात नहीं। आजकल के लौंडों में इतनी हिम्मत आ गई जो गफूर गिच्ची की गाड़ी मारे? एक बार मिलना रे सब, कुत्ते को घुमा घुमा के मारे ऐसा मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं सालों को। कौन है जलील? कहां तू भी चले गया? कौन है? अरे कौन है भाई घर में? कौन है घर में जलील? कौन तो भी घुसे घर में? अरे कोई भी नहीं दिख रही, जलील कहां चला गया? तो भी चला गया। ये पुट्टा तो अंधा निकला, मैं खामखा पास खराब करा। चल जाने दे, चल चल। अरे आप लोग इस वक्त यहाँ पे? मुस्कान देखो, आप गलत ना को समझो, हम आपके घर को आए बोल के। नहीं देखिए, देखिए हम लोग भोज शरीफ है, हमारे रग रग में शराफत भरी हुई है। अच्छा मियाँ शराफत, आप लोगों को हमारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है।
किसी के भी घर में इस तरह घुसना ठीक है क्या? आप तो हमारे दिल में घुस गए, क्या हम आपके घर में नहीं घुस सकते? आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ी। जिसके पास हिम्मत नहीं है वो आशिकी क्या? हाय अल्लाह, ये आप क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा है, जब से मैं आपको देखा मेरी नींद भाग गई। देखो आपका चेहरा खुद बोल रहा, एक जमाने से आप सोई नहीं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये आग तो दो तरफ से लगी हुई है। ये मेरी बातें सुन के आप बहुत हैरान हो रही होंगी ना? अच्छा मुशी, आप बताइए ना, आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? हाय अल्लाह, शुक्र है खुदा का, इसने कुछ बोला तो सही। आपकी ये मुस्कुराहटी अदा मेरा दिल ले ली। अगर आप बोले तो मेरे पास जान है, वो जान भी दे देता हूँ। ये जान हमारी अमानत है, इसे यूं ही जाया मत कीजिए। अब क्या करूं, आप ही बोलिए। इतना सब कुछ कहने की बजाय बस तीन लफ्ज कह देते, I love you. Same to you, happy new year. अब छोड़ो, बोल के नहीं बोलना। देखो देखिए, छोड़िए ना। अरे छोड़ दिया बेवकूफ। देखो सीखो, कुछ करे तुम ऐसा कभी? वो होने वाली भाभी है मेरी, मैं उसके बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? हाँ, ओ मेरे लड्डू, तुम कभी नहीं सुधरोगे, बस यही दूर से टुकुर टुकुर करते रहना। उसका ना भू। हाँ? हाँ? अरे बाप रे, मामू आप जो देखे वो सही देखे, दिमाग पे मत लो, दिमाग खराब हो जाता। दिल पे लिए तो गुर्दे खराब हो जाते। हम आपके बच्चों से आशिकी कर रहे, हम शादी करना चाह रहे, दो जोड़े दे दिए तो हम आपके बच्चों को लेके चले जाते। मियां बुड्ढा बहुत गुस्से में दिख रहा है यार। मामू हमारे को ऐसे वैसे खानदान का नक्को समझो, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है। आप चिराग लेके ढूंढे तो भी ऐसे खूबसूरत दामादा नहीं मिलते। घर में सारी ब्लैक की टीम दिख रही, भागो यहाँ से। देखा जलील, नाजिया बेटी के आ जाने से मुस्कान बेटी कितनी खुश है। हा? हाँ बस ये दोनों का जल्दी से जल्दी घर बस जाए। क्या हाल चाचा जान, आप भी कैसी बातें करते हैं? बिल्कुल ठीक, और फिर हम चले जाएंगे तो आपका ख्याल कर रखेगा। अच्छा अच्छा, अभी टॉपिक यही खत्म करते हैं, कुछ पीने के लिए लेकर आते हैं। बिल्कुल ठीक, चलो 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 चलते हैं। चल चल। क्या बोलूं, तुम ही बोलो ना। इधर मत देखो, तुमको फिर क्या है। देखो जी, वो बुड्ढा घोड़ा हरी घास को घूरे वैसा घूरते जा रहा। अरे जलील, जरा जाके देख बच्चियां कहां गए, बहुत देर हो गई। हाँ। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से शुरू करूं। लड्डू कुछ करो। और क्या करूं? ओफो बुद्धू, बुद्धे के लड्डू, अब्बा इधर ही चाह रहे हैं। देखो अब क्या करेंगे? तो फिर ये कब करेंगे? ओफो, चलो। क्या बोलूं नासू, जब से मैं तुम्हारे को देखा मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। चारों तरफ तुम ही हो। अच्छा, आजू बाजू नीचे ऊपर बस तुम ही तुम हो। क्या बोलूं नाजू, आजकल ख्वाब में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अब्बा भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, अरे धीरे धीरे चाय दे, क्या कर रही है? ये लीजिए अपा चाय। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? चाचा हम तो बता कर गए थे कि कुछ पीने के लिए लेने जा रहे हैं। वो यूं ही थोड़ी सी देर हो गई। हाँ ठीक है ठीक है। वो चाय लेने गए थे। जलील, जलील,
गुस्सा मत कर जलील, चाय लाने देर हो गई, गुस्सा मत कर जलील, जलील गुस्सा मत कर। अरे अरे चप्पल को निकाल, अरे चप्पल को निकाल, अरे 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 तेरी तो बता दो साले, क्या हो रहा जलील, क्या हुआ जलील, नाजिया उसका जलील। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप हमसे बात मत कीजिए गुस्ताख कहीं के। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी, नहीं तुम हर बार कुछ भी ऐसे कर देते हो और सॉरी कह देते हो। नहीं थूक दो, गुस्सा थूक दो। अच्छा उफ थूक, फिर से। तुम तो मेरी जान हो। क्या हुआ? मैं अभी आया। खालिद क्या बात है? खालिद हेलो, कौन? मैं खालिद। तुमने यहाँ पर फोन क्यों किया? नाजू प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है खालिद। प्लीज एक बार सुनो प्लीज। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। कितनी टेंशन है यार लाइफ में। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में करार आता नहीं। क्या बात है उस्ताद, नाजिया की मोहब्बत में तुम कुछ ज्यादा ही अटके जैसा दिख रहा। पिंडे में मिल गई मियां मेरी जिंदगी, एक करने जा रहा हूँ एक हो जा रहा। उन बेकार का टेंशन लेके बैठी, मेरे से बात ही नहीं कर रही। इसको बोलते आसमान से गिरा खजूर में अटका। वो सब छोड़ मियां, ये बता तेरी लाइफ में क्या चल रहा। बस इसकी काई की टेंशन है बस, इसकी लाइफ में तो मजा ही मजे। पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। नहीं यार मेरी भी बहुत सारी टेंशन है, समझ में नहीं आता कि संजना को कैसे समझाऊं। उसे जिंदगी में कोई बंधन ही नहीं चाहिए, आजाद रहना चाहती है। शादीवादी जैसे बंधन में तो उसे विश्वास ही नहीं है। मतलब वो समझती है वो मेरे साथ सिक्योर्ड नहीं है, वो कहीं बंधन में बंधना ही नहीं चाहती। उसे तो बस करियर पैसा बस यही चाहिए। मतलब तेरी कंप्यूटर कंपनी डलने के बाद वो तेरे से शादी करेंगी? इसका मतलब वो तेरे से प्यार नहीं करती? ऐसी बात नहीं है यार, मैं जानता हूँ मुझसे कितना प्यार करती है, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिना रह नहीं सकती। अरे कितना ख्याल रखती है वो मेरा। एक बात बताऊं दोस्त, हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर होते हुए भी हमारी मंजिलें अलग अलग हैं। ये लड़की साथ ही ऐसी होती है मामा, दिल देते ही अपना दीवाला निकाल देती है। मेरा फोन नहीं उठाती, शेर खां से टक्कर। इतना रुबाब।
नाजू मारा। नाजू तुम अब यहां क्यों आए हो? तुम्हारे दिल में जो शक है हम उसको दूर करने आए। छी, शराब पी है तुमने? हमने शराब पी हिम्मत की दवा समझकर। तुमने ठुकरा हमें और हमने अपनाया शराब को हिम्मत की दवा समझकर। पीकर यहाँ क्यों आए हो तुम? उसी के साथ जाकर न्याय बटाकर करो जो तुम्हें पार्क में मिली थी। तुमने मुझे मारा? किस हक से मारा? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? वो हक तुम गवा चुके हो। है क्या तुम्हारे पास? बेकारी, आवारा गर्दी, एक आवारा दोस्त और वो लड़की? वो लड़की मेरी बहन है बहन, और वो दोस्त मेरा जिगर है जिगर। तुम जैसी हजारों लड़कियां उस पे से कुर्बान, और तुमने मुझे बेकार कहा? जिस दिन मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा उसी दिन तेरे सामने आऊंगा। गुजरे हैं आज हम इश्क के उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। एक दिन की मोहलत मांगा था, साला देखते देखते इतने दिन निकल गए। ऊपर से ये खिराक की गिरगिरी पकड़ के साला शहर को गांव समझ रहा। काउंटी साला रेती में से सुई नूडो बोल रहा। देख रहा चिक्की यूसुफ अपने पहलवान के बारे में कितनी बगावत कर रहा। साला खिराक कसाब बेहिसाब कहीं का। दे चरपटे खाता फिर लाता। अरे दुम्बल जानी जरा गौर से देख, साला झुकते ही गायब हो जाता। अरे तू बेफिकर है रे चिक्की, अपने से बच के कहाँ तक भागता है इन्हें, और वैसे भी निर्गुण की दौड़ कहाँ तक भागता। कब तो भी अपने हालात सुधरते कि क्या है कि रे, अपनी किस्मत में ये धक्के कब तक है कि मियाँ? दाढ़ियां तो बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं, क्या बोलते? तू सही बोल रहा, मैं अंदर कवरिंग करता हूं, तू बाहर काम पहचान। ठीक है। नहीं! अम्मा लड्डू भाग। अरे भाग रे भाग। अरे गाड़ी क्या मारे पीछे पड़ गए। भाग रे खालिद भाग भाग। रुको साले तुम लोग रुको वरना गोली मार दूंगा। अरे रुक भाग, मेरी गाड़ी किधर है बोल बोल। भाग रे, इसके दो पहिए चुराए तो गोलियां मारा, अगर इसके चार पहिए चुराते तो बम फेंक देता था। भाग रे तो मार देता। भाग रुक रुक। अच्छा फंसा है रे तू। अरे 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 मेरे को छोड़ो रे गधो, मेरी गाड़ी उसके पास है, उन लोगों को पकड़ो। अरे रोक क्या समझा रे, उन लोगों को पकड़ो। अरे गाड़ी से लोग को अकल लिए रखा तो मेरी गाड़ी लेके अपने। अरे अरे चलिए बच्ची को पकड़ ले रे, निकल ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे निकल यहां से जल्दी भाग। अरे 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 क्या कर रहा है मियां तू? अरे ये दरवाजा खिड़कियां कहीं को बंद कर रहा है? अरे तू चुप बैठ मियां, बेकार के बताने को कर। अब तक गोली की आवाज मेरे कानों में घूम कर रही, जरा इधर उधर हो जाती तो पिंडा पकड़ के मैं तो निकल गया था। अरे मैं हूं ना मियां। तू क्या जेम्स बॉन्ड है? फटने वाले की फटी तो धोबी बैठा चांद के थे, अब तक गाना घूम कर रहे। मगर इन गाड़ी के वास्ते गोली कहीं को चलाया? दोबारा मिला तो पूछ के आता हूँ। मेरे से क्या पूछ रहा मियां, पहले ही तालू पे आ गए। ये गिच्ची की गिच्ची तो खोलनी पड़ेगी। मेरे छुप रहा है तू,
हाँ मेरे बारे में तू गंदी गंदी बात करता। तू क्या रिश्ते बोला मेरे बारे में? आपके बारे में बहुत गंदा गंदा बोला पहलवान। क्या गंदा बोला बोल रहे? आपको इन्हें साला बोला और गौंटी बोला। जी लगेगी। बोलती रही, आखिरी ख्वाहिश क्या है? एक दिन की मोहलत दो पलन। आखिरी क्या रे? ये आखिरी 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 मोहलत दो पलन। आखिरी बार एक दिन की मोहलत दो पलन मेरे को। नहीं ना, बस पलन। चल तेरे को आखिरी मौका दिया गिच्ची, तेरे को आखिरी मौका दिया। लेकिन ये आखिरी मौका फेल गया तो मैं क्या करता मालूम पलन? छोटे छोटे टुकड़े करके थैले में भर देते पलन। अभी भी मेरे कहने दो दर्जन थैले ऐसे गोदाम में सड़ रहे, डालू क्या? नहीं ना। नहीं, बस एक दिन की मोहलत पलन। जा तेरा गुड लक अच्छा रे। हाँ इकबाल अटेला बोल रहा हूँ मैं। सलाम अलैकुम भाई। बोलो भाई। हाँ हीरों का क्या हुआ? मिल जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। जल्दी कर जल्दी। अरे हाँ भाई, मैं पूरे हैदराबाद को जंग का मैदान बना के छोड़ा हूँ। एक कप को खुंदल खुंदल के कैसे भी हीरे लेके आता, भरोसा रख मेरे पे भाई। और भाई दूध बाउली में सब कैसा चल रहा? अच्छा ना भाई? सब फर्स्ट क्लास। अच्छा सुन, एक हवाला है चाराने का, संभाल के। अच्छा कहाँ के लिए? चार नहले बारकस। एक मिनट, चार नहले बारकस? चार, हाँ भाई हो जाता वो। अच्छा भाई वो जो मैं आपको मेरी शादी के लिए पोटी का जिक्र किया, तेरा कुछ हुआ भाई उसके बारे में? अरे यार फिर शुरू हो गया ये। हेलो, हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है भाई। हेलो भाई, वो पोटी शादी? अरे बैंड बजाओ शादी में। अच्छा बड़े मियां, मैं पोटी की बात किया तो हटेले के कान बंद, नेक्स्ट टाइम उन्हें हीरे की बात किया तो पाशा के कान बंद। पैदल। हाँ चार नहले बारकस। हाँ पहलवान। 25 पेटी का डिलीवरी। एहतियात से गलती किया तो मैं क्या करता तुझे मालूम? मालूम पहलवान। खुदा हाफिज जान। भाई गफोर, मैं तेरा करता 1-2 का 4। हल्लू रखना रे, डर गया ना मैं? अरे तेरे को डर रहा जी? मैं कोशिश करूँ सबा, तू फिक्र मत कर। अब्बा भी ये महीने के पैसे नहीं भेजे, सब वही कमीनी पे खर्च कर रही। मैं हूँ ना बहन। अच्छा ये बता अम्मी की तबीयत कैसी है? टाइम पे दवा खाए तो ठीक रहती ना, पर उन्होंने सुनते ही नहीं। आप आके समझाओ ना भैया प्लीज। आता हूँ बहन आता हूँ। और मेरी शादी की तारीख पक्की करने आए थे वो लोग। भैया 1,00,000 रुपया मांग रहे और अम्मी ने इनकार कर दिया। अम्मी को पैसों की फिक्र न करो बल, इंशाल्लाह मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। बस बस तुम लोग अपना ख्याल रखो। ओके ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। कैसा पैसों का इंतजाम होगा आप समझ में नहीं आ रहा। क्या लामिया सबको बांट रहे, हमको डांट रहे। खैर अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। आम छू, इमली छू, काला रे बंगारा छू, आ छू, आ छू, छू मोती छू। अरे छोड़ा क्या मैं तो?
भगा जी भगा भगा अरे, अरे क्या हो भाग रहा है अरे इतना तेज भाग रहा कैसा है अरे बाबा ओफ अरे हट भैया हट बीच में देख तो भी चले गया रहे मेरे को मिलते इसने क्या रहे ने? और कितना भगा था रही ने? तेरे पीछे भागते भागते मेरे हाथ अगरबत्ती पैरा मोमबत्ती हो गए रे और ये मेरी सूरत तेरी सूरत तेरे सीतावल से भी बदतर हो गई रे अरे गरीब के पैसे डुबा के कभी अच्छा नहीं रहेगा अरे तू और ये आटो वाला तेरे को कभी नहीं छोड़ेगा शर्फू शर्फू तेरे को कभी नहीं छोड़ेगा मेरे ये पैसे एक दिन तेरे जिस्म पे फोड़े बन के निकलेंगे रे फोड़े बन के निकलेंगे अब तो चबूतरे वाले बाबा के पास जाना ही पड़ेगा इसके नाम का नींबू कटाने मां गया रे कालेज इन्हें कौन रे कहीं इसका भी तो कुछ बाकी तो नहीं हो पहलान भेजे अब ये क्या नई मुसीबत है रे अम्मा मेरी Good.
कैसी तबीयत है मियां आपकी? तबीयत का क्या है बेटा, जब तक सांस है तब तक आस है। मेरी छोड़, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ। तू सुना, मेरा बेटा इतना दुबला कैको हो गया, खाना टाइम पे नहीं खाता हूँगा। नहीं, मैं आपके हाथ का खा के जाऊंगा अम्मी। तुम दोनों बाप बेटों का झगड़ा कब खत्म होता कि क्या है कि? मेरे को तो दिख रहा उससे पहले मैं इस खत्म हो जाऊंगी बेटा। सबा, अम्मी दवा खाए। मेरी तो सुनते नहीं भैया, दिल चाह तो खाते वरना दो दिन तक दवाई नहीं खाते। नहीं बेटा। अम्मी कुछ मत बोलिए आप। मेरी बच्ची ससुराल को चली गई और मेरे बेटे के सिर पे सेहरा देख लिए तो या अल्लाह मेरे को और कुछ नहीं होना, आराम से मर जाती हूँ फिर बस। अम्मी साफ देखेंगे आप, और हाँ आप बेफिक्र रहिए, सभा की शादी के पैसों का इंतजाम हो गया। अम्मी ये सब क्या है? अम्मी अब आप फिक्र मत करिए, आप हमारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे हम, और महल्ले वाले बोलेंगे भाई शादी हो तो खालिद के बहन के जैसी। मगर अम्मी वो दूल्हा कंडा है नहीं भैया? आप भी ना। क्या पूछ रही हूँ मैं तेरे को? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तू। क्या अम्मी? मैं तेरे से कुछ पूछ रही हूँ बेटा, ये सब क्या है, कहाँ से आया ये? अम्मी आप समझने की कोशिश कीजिए, जो हो रहा सो हो जाने दीजिए। क्या हो जाने दीजिए? आखिर आ गया ना तू भी अपने बाप की चाल पर। बता दिया ना तू भी कि नीम के झाड़ में कभी आम नहीं हो सकता। अम्मी उनका नाम मेरे सामने मत लीजिए। जानता है तू खालिद, दुनिया में सबसे बुरे लोग कौन होते हैं? जो अमानत में खयानत करते हैं। तेरे बाबा भी हराम के पने से बाज नहीं आ रहे और तू भी नहीं आ रहा। अरे तुम जैसे चंद लोग हमारे कौम को बदनाम कर रहे थे, और घर का बोल रहा? अरे हमारे घर की तो ये हालत है कि मोहल्ले का बच्चा थू थू कर रहा। मगर तेरे को क्या लेना देना है, तेरे को क्या फिकर? आवारा गर्दी, शराब, जुआ, थोड़े से पैसों के वास्ते अपने ईमान को बेच दे रहे थे तुम लोग। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? अरे बोल। मैं ऐसा कुछ नहीं करा अम्मी। हमारा मजहब ये सब नहीं सिखाता मेरे बच्चे, हक हलाल की रोजी रोटी कमाना सिखाता, और दूसरों के काम आने का मतलब है इस्लाम। इस्लाम नाम है दूसरों के काम आने का मेरे बेटे। और अपन तो हलाल का रुखा सूखा खाने वाले गरीबा है मेरे बच्चे। हमारे खून में ये हराम नको शामिल कर खाले, तेरे पैरों पड़ ले तू बाबा। हमारे खून में ये हराम नको शामिल कर खालिद, नको शामिल कर। क्या जिंदगी भर उसको ऐसे बिठा के रखेंगे आप? तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है खालिद, तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे जो पैदा करा ना उन्हें ही असबाब बनाएगा। अगर तेरे जैसा हर कोई सोचने लग गए ना बेटा, तो ये पूरी दुनिया दोजख बन जाएंगी। हलाल और हराम में तमीज बाकी नहीं रह जाएंगी, फर्क बाकी नहीं रहेगा बेटा। उठा उठा आप ये हराम के पैसे, नहीं होना मेरे को ऐसे वैसे पैसे। मैं बोल दिया तेरे को, नहीं होना मेरे। अम्मी, थोड़ा पानी पी। रात का पानी भी नहीं पीती मैं, हराम है मेरे को। अगर तुम मेरे से 10 रुपए भी कमा के लाया ना खालिद, तो वो मेरे हाथ से 10 लाख से बढ़ के होंगे। उठाइए पैसा, मेरे को यह हराम की कमाई नहीं होना। निकल जा खालिद मेरे घर से, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। निकल जा मेरे घर से खालिद, तू चले जा खालिद, तू चले जा, तू चले जा खालिद, तू चले जा खालिद। क्या हुआ? अब ये मेरे किस काम के?
तुम लोग रख लो, तुम लोगों को काम आएंगे। क्या बात कर रहा मियाँ, जो पैसा तेरे काम का नहीं वो हमारे काम का भी नहीं। सही बोला यार, अबे लालची समझा के अपने को, यार को यारी से मतलब, हटा इन पैसों को। जब पैसों की जरूरत थी तो बहुत परेशान थे, आज पैसे है तो कुछ काम के नहीं। चलो कुछ सोचते हैं पैसों के बारे में। अब कौन है बे? पहलवान, मैं खालिद खान बोल रहा हूँ। हाँ खान साहब बोलो। 25 पेटी अभी तक नहीं मिले मेरे को। अरे अभी परसों तो भेजा ना। वो ही पैसा नहीं मिला। क्या बात कर रहे खान साहब, एक मिनट। अरे मेरे कई को मार रहे खान साहब, एक कई को मारे। अरे सरकारी सांड, वो 25 लाख किसको दे के आ रहे? तेरे बाबा को। अरे खालिद को, आप बोले ना चार नेले बार का। अबे उन्होंने तो बोल रहा नहीं मिला बोल के। हाँ साले को हाथ में दे के आ रहा हूँ, ऐसा कैसा बोलता? चलो उसके घर को, आपने से उशारी। हाँ हाँ खान साहब, मैं अभी आ रहा ना। आ जाओ पहलवान आ जाओ, मैं घर पे ही छू। अरे तुम्हारे माँ के हराम के पोटे कैसा पैदा करके छोड़ दिए देखो, दलिंदर औलादा। अब्बा जान चीख लेंगे, वक्त ना सखत बुड्ढा चढ़ा तखत। अरे क्या है भाई, 5 साल के बाद दुबई से आया हूँ, जरा समझो शन्नू, जरा करीब आओ भाई। छोड़ो भी अबे। हेलो 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 हेलो, कौन है कि क्या है कि भाई, आइन टाइम पे मूड खराब कर दे रहा है। बाहर से आए जब से कमरे में से बाहर निकल रहा है नहीं, क्या क्या कर ले रहा कि क्या है कि सब काम मेरे को ही करना पड़ता। अब्बा जान बुला रहे थे वहां। अरे बाजान पुकारते रहते भाई, सब देख लेते। तुम जरा करीब आओ भाई, ये इस आज है तुम्हारा क्या? चेहरा तो बदलिया, छठे सो चांद नजर आ रहा है, सच्ची बोल रहा हूँ। हटो जी। अरे तुम्हारे माँ के हराम के पोट्टे मारूं, तुम लोगों को मेरा ही घर मिला रे, हमको ही क्यों सताते रे तुम लोग। हाँ अरे तुम लोग इंसान की औलाद है रे, हैवान की औलाद है, एक बार घटना रे मेरे हाथ को। अब और क्या समझना है भाई, ठहरो। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन तो भी, अरे जरा बात तो कर। क्या बाबा टेलीफोन डिपार्टमेंट में है रे, बात बात को फोन कर रहा है? तू 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 कौन तो भी है जी? मेरे को क्या मालूम? अरे मेरी आवाज सुन रहा है फोन रख दे रहा है, आवाज सुन रहा है फोन रख दे रहा है, तुम्हारा कुछ चक्कर दिख रहा है मेरे को। आज नहीं छोड़ूंगा रे तुम लोगों को, टांग पे टांग रख के चीर डालता हूं। देखो देखो फिर बज रहा, देखो फिर बज रहा, देखो। अम्मा काय को? तू मेरे को कौन से बंगले पे लाया रे, कुत्ता इंसानों की जैसा गाली दे रहा। हेलो हेलो, अरे बात कर रे, अरे बात कर, अरे फोन नहीं रखना रे, देख अरे कौन है रे, अरे बात कर रे, कट कर दिया। मैं समझ रहा हूँ कुछ तो भी चक्कर है बोल के तुम्हारा। अरे अरे क्या है भाई, उधर बाजान इधर जोरू, दोनों मिलके जीना हराम कर दिए। ठहरो अब भी आके बता दूं तुम्हारे को। आ रहा हूं, आ रहा हूं।
तेरे को चीर के काट के फाड़ के पका को सीख कबाब बना लेता तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेले में डालता रहे। पहलवान 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 जब से पोटे बाबा को बहुत परेशान कर रहे थे पहलवान पोटे है समझ के गालियां दे लेते आए। ये इनको मैं पोटे दिखता क्या रे मुर्दा कड़े ऐसा कई को कर रहा रे। अरे पहलवान 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 बड़े बुजुर्ग आदमी है। ये बुजुर्ग है हाँ। अरे एक बुजुर्ग ने देश आजाद कराया एक बुजुर्ग घर में बैठ के गालियां दे रखा का इंसान है यार। पहलवान जरा गुस्से में नको पहलवान बाजान जरा खामोश बैठो भाई पहलवान है इनो। पहलवान मैं अभी इनको ले जाके अंदर बंद करके आता हूँ मेरा मतलब है अंदर छोड़ के आता हूँ चलो बाजान। क्या बाप बेटा में प्यार रे ए मोटे सरकारी सर चल रहे मेरे साथ। बोलिए अब और क्या बोलना है पहलवान पैसे ए मुरमुरे के थैले तू परसों इसको ही दिया ना रे पैसे आइयो नए पहलवान फिर किसको दिया। ये घर में से और एक खालिद निकला था जवान गोरा बगर मुचे वाला चिकना लौंडा था। ओफो इतना बड़ा धोखा मेरा शक सही निकला तेरा किसी के साथ चक्कर है। मैं बाहर गया तो तू वो पोट्टे के साथ घर में गुलछर्रे उड़ा रही है। मेरे भी शक कर रही तू तो? देखो मैं पहले ही बोल डाल रही हूँ अच्छा नहीं होगा। तुम आने के बाद मैं गई क्या बाहर बाहर अकेले रह रहे के तुम्हारे दिमाग में शैतान घुस गया। अरे शैतान तो मेरे घर में घुस गया ये औरत की शक्ल में। अरे जब से तुम्हारे से शादी हुई जिंदगी हराम हो गई मेरी। तू 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 अपने ऊपर थूक लो मेरे पे कई को थूक रही। अरे चार दिन ठहरो महल्ले वाले हम दोनों पे थूकेंगे ये गुलछर्रे की कहानी बाहर निकली तो। ओफो मेरे माल पे दीदे लाल अब दिखना वो लौंडा काट के टुकड़े कर डालता हूँ। खान साहब खान साहब पहलवान जरा खामोश बैठो ये हमारे घर का मामला है आप बीच में नको बोलो जाओ यहाँ से चलो जाओ। ये सरकारी सांड सब तेरी वजह से गलाटा हुआ रे उधर सनम बेवफा इधर मेरा रास्ता सफा इस पहले के वो पहलवान होता खफा हम दोनों हो जाते दफा चल रहा लगनाम लेके। सही बोले बड़े लोगा खूबसूरत औरत मर्द का जीना हराम कर देती। वो सब शादी से पहले सोचना नहीं था मेरे किरदार पे शक कर रहे तो मैं आज ही हमारे अम्मा बाबा के पास चल जाती हूँ। मैं अब भी चले जाओ मगर जेवर उतार के जाओ तुम। काई को जाती हूँ मैं नहीं जाते अब भी चले जाना तुम। ये कहाँ से लाए थे तुम्हारे अम्मा बाबा कपड़ा जेवर दिए थे ये उतार के रख देना और घर से चले जाना। इसकी माँ के पुट्टे मारूं तो जीना हराम कर दिए खाना खाने भी नहीं देते मेरे को। अनुज तुम वेयर वर यू अनुज तीन दिन से तुम कहाँ थे तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था कम से कम एक फोन तो कर लेते। अनुज मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम मेरी बीवी हो और ये जरूरी नहीं है कि मैं तुमको हर चीज बताऊँ कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। अनुज प्लीज स्टॉप इट डू यू नो इन तीन दिनों में मेरी क्या हालत हुई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी स्वीटहार्ट और तुमको मेरी फिक्र कब से होने लगी। ग्रो अप संजना बी प्रैक्टिकल। अनुज डोंट डू दिस आई रियली मिस्ड यू अनुज आई लव यू अनुज। ओह रियली दैट्स ग्रेट बट आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीस स्टूपिड थिंग्स। अनुज मेरी बात अब पता चला क्या होता है रिश्तों का दर्द। क्या हुआ साहब कमिश्नर साहब क्या बोले। अरे वो हीरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिए हैं और होम मिनिस्टर के भी सख्त आर्डर आ गए ऊपर से कमिश्नर साहब का भी दबाव पड़ा। अब क्या होगा साहब। कमिश्नर साहब वार्निंग दिए अगर ये केस जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किए तो ट्रैफिक में डाल देता हूं बोल रहे। अच्छा है ना सर ट्रैफिक में तो अभी रोज की इनकम मिलती दबा के चालाना मारेंगे तनख्वाह से ज्यादा मलाई मिलती। अरे वो सब छोड़ कुछ सोच मेरे भाई। क्या सोचूं साहब जोरू आते वक्त मिठाई लेके आओ बोल के बोली वही सोच रहा हूँ मैं सुबह से अब तक एक शिकार भी नहीं मिला मेरे को।
अरे ये तिनको में जीना छोड़, हीरो के बारे में सोच। आज दुनिया के किसी कोने में भी रहने दो, मैं वो हीरे ढूंढ के रहूंगा। गर्दिश में है तारे, ना घबराना प्यारे। पहले गले में आ गई हैं, फिर मजाक सुधरा रहे। मेरे कुमारे तो तेरे को हीरे मिलते रहे और तेरे को पैसे, कई को करते रहे दीवाने चाले। दीवाने चाले जिगर होना पड़ता बेटा, रोड पे माल लेके निकलने के लिए झुक तेज गायब कर देते। देख ले कहीं गायब तो नहीं हो गए मामू। एक बार खटाना साला, थैले में बंद करके मार दो। कहीं इससे पहले किराक तुम दोनों को काट के थैले में डाल दिया तो। मामू का मत पार रे। पहले दिमाग जगह पे नहीं है, नीचे उतर गया क्या मामा? हाना निकोसों ये वड़ा वचन दे। हाँ पंपे। क्या है यहाँ पे, पैदल कौन है बाबू? पैदल ये दोनों है। चुप। अपन है चप्पू। यार को सीढ़ी बोलते है क्या? तो मैं क्या करूं? ओए इज्जत दियो, तुम लोगों के काम की खबर लाया हूँ, 25 लाख की खबर। तुम लोग खबर में गए तक ये खबर नहीं मिलती थी, ऐसी खबर लाया हूँ। इधर 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 बैठो बैठो, बोलो 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 बोलो। मगर मेरे को तो यहाँ पे बैल भुक्का और जंगल सुक्का दिख रहा। अरे क्या हो ना बोल। जानी वाकर मंगा दो अन्ना, बहुत दिनों से दाता सल सल कर रही। तू भी जाता रे थैले में। अन्ना तुम्हारे को 25 लाख का चुन्ना लगाने वाले का नाम खालिद है ना? हाँ बोल बोल कहाँ रहता हो? अब आप बेफिक्र रहो अन्ना, वो हराम का कहीं नहीं जाता, अपना ही किराएदार है। तेरे को तो जानी वाकर से निला दे तू रे, क्या खबर लाया तू? अच्छा वो सब तो ठीक है, मगर तेरे को कैसा मालूम वो मेरा ही पैसा है सो? मैं अपनी आंखों से देखा ना। इतना पैसा हो आया कहाँ से? हो मियां मेरे को भी नहीं मालूम, ये कौन की आदमी देखे गया मैं मालूम करा तो, उसका नाम पैदल नरसिम्हा है कहते, और ये पैसा हुंडी से आया सो है। मियां उसका तो दिवाला निकल गया होगा। पर अब आगे क्या? आगे क्या, खाओ खो जाओ बत्ती बुझाओ। अपनी तो ऐसी ऐसी मामा, मैं तो हीरो बनूंगा। अच्छा तो ये पैदल के पैसे हैं? हाँ वही रे वही है। मगर अन्ना मेरी एक शर्त है। अरे नू जेब भी धंधा हो के मेरा मकान खाली करा के देना। अबे उसको पूरी दुनिया से खाली करा दे तू, बहुत बहुत बुरा पैदल करा रहे साला मेरे को। चल कुरारी चल गिच्ची चलो चलो रे चलो। मैं तेरे पागल दिख रहूं क्या? ए, इसके कान में तेरे को बीड़ी दिख रही क्या? अरे नहीं भाई। साले अगर पैसे नहीं मिले ना, तेरी लुंगी उठा के लाल मिर्ची का गरम गरम धुआं देता हूँ। जब भी तू बैठेगा ना, याद करेगा इस गफूर गिच्ची को। मैं बोला तू जाता रे, चुप नहीं बैठ के चुबा लिया, अब भुगत। हाँ याद आया याद आया भाई, पैसे हो ना हो उस चिकने के पास होना। फिर आ रहा रे तेरे इसको कान के नीचे। अरे भरोसा करो पलान, अगर पैसे नहीं मिले ना तेरे को तो मैं पठानों के पास छोड़ देता हूँ। चल 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 चल। अम्मा अरे रे 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 क्या हालत कर दी रे घर की। अरे रे 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 अरे 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 ये क्या कर रहा है मियां? दिख रहा नहीं। अरे कहां तो भी जा रहा है भाई,
जान लूं मैं, चलता क्या साथ? पिंडे में मिल गई अपनी जिंदगी, अपनी हालत तो धोबी के कुत्ते से भी बदतर हो गई, ना घर गए ना घाट गए, इधर से उधर उधर से उधर, क्या होता कि क्या नहीं की भाई, मैं तो जा रहा हूँ शहर छोड़ के। अबे तेरे को तो हीरो बनना है। बैगन मेरी शक्ल देख के दिख रहा है मैं हीरो बन सकता हूँ बोल के? वो साले गांव वाले चले के झाड़ पे चला के बोले चल तू जा हीरो बन शहर जाके, और मैं बेवकूफ तरह आ गया, मेरे को हीरो हीरो नहीं बनना है रे, मैं गांव जाऊंगा खेती बाड़ी करूंगा अल्लाह अल्लाह बोल के रहूंगा, और तो और वो साला गिच्ची अपने घर तक भी पहुंच गया। अबे मेरी बात तो सुन। पिंडा भी नहीं सुनता मैं, रॉकेट से भी तेज निकल जाता हूँ, इधर उधर देख साले कहीं भाव तो रखे नहीं गए। अबे वो गिच्ची के साथ साथ पैदल भी है जिसके 25 लाख रुपए अपने पास है। क्या चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिया जैसा दिख रहा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ अपना बोरिया बिस्तर बांध पतली गली पकड़ ले, जिंदगी बाकी रहे तो फिर मिलेंगे भाई। अबे लड्डू ओए ओए सुन रे, जाते जाते अनुज को फोन कर देना फ्लैट में से मार हटाने के लिए। हाँ ठीक है खुदाफिस। निकल ले तू निकल ले, वैसे भी सब मेरा किया धरा है, मैं खुद इसे निपट लूंगा। पता नहीं जिंदगी में और क्या क्या देखना बाकी है। बेचीटर। अबे क्या हुआ? आज संडे है ना? तो क्या छुट्टी का दिन है, कैसे जाऊं? अबे खुरचन तू नहीं सुधरेगा। लड्डू क्या हो रहा है सब, कहाँ थे तुम लोग इतने दिनों से? और वो चौश कुंडे को कई को लेके आए? हाँ लड्डू सच्ची सच्ची बताओ, तुम लोग कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? हाँ अरे कुछ नहीं जान, ये तो छोटे मोटे लफड़े होते रहते। जाओ ना। खालिद लगता है आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया है। मेरे को तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। खालिद हमसे गलती हो गई, हमें नहीं मालूम था कि वो आपकी बहन है, हमें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी बाबा। ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें चाहें या ना चाहें, लेकिन हम तो आपको दिल की गहराइयों से चाहते हैं, और हम सिर्फ ये बात जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत है, और हम जिंदगी भर आपको चाहते रहेंगे। अब तो हमें माफ कर दीजिए प्लीज। तुम तो मेरी जान हो। देखो कुछ सीखो। ओफो। पूरा यकीन हो गया अब तो तू जाता रे। मिल गया। जाता मिल गया। यही वो लौंडे हैं। अरे जो मेरी गाड़ी लेके भागे थे जिसमें 10 करोड़ के हीरे हैं। अरे ये लौंडे को मैं 25 लाख दिया था, चलो रे किराक पासा को बोलेंगे। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो मैं किराक के पास जाऊं? अब मैं किराक के पास तभी जाऊंगा जब वो 10 करोड़ के हीरे मेरे हाथ में होंगे। चलो चलो मेरा बात मानो चलो। नहीं 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 मैं नहीं आता। तेरे मर्जी मैं क्या करूं, चलो। मेरा यकीन हकीकत में बदल रहा है। खान साहब, सलाम अलैकुम खान साहब। चैन की अमन पहुंच तो एक दरखास्त कर रहा हूँ खान साहब, मैं आपके हवाले के पैसे 2 दिन में सेल्फ डिलीवरी करने आपके घर पे लाके पहुंचा देता हूँ। वो लौंडे ने मेरे नाक में दम करके रखा ना, मैं जानता हूँ आप बारकस के हैं और बारकस के लोग कैसे हैं, पूरा हैदराबाद थर थर था ना।
मैं भी हैदराबाद में रहता हूँ इसलिए मैं भी थरथरा रहा हूँ। देखो ऊपर से नीचे तक थरथरा रहा हूँ। क्यों रे मुरमुरे के थैले, बारिश में भीगे हुए सांड, ये चार पट्ठों को अदरक के पंजों की तरह खड़ा करके मेरे को डरा रहा है क्या? अब तुम डर रहे तो मैं क्या करूं? अभी बोलना क्या चाह रहे मेरे बाबा? पैसा बोला ना दो दिन में। मेरे को सब नहीं मालूम, अब भी छोना। अरे कहां से ला के दो तेरे को गधे की? वो सब नहीं मालूम पहलवान, पैसे अब होना। अरे वो अदरक के पंजो समझाओ अपने वालिद को, खालिद को। अरे वालिद के खालिद एक ही बात रे। मैं नहीं समझता हूँ। समझता हूँ नहीं। अरे मेरी बात सुन, वक्त की नाजुक घड़ी, नर पे मादा चढ़ी, ये किराक पाशा का प्रेशर ऊपर गया, उसका दिमाग सरक गया ना, तो इधर ही तेरे टुकड़े टुकड़े करके थैले में डाल देता रे। क्या बोला तू? क्या बोला रे तू? क्या बोला? तू क्या बोला रे? मिल गया। कौन मिल गया रे? तेरी अम्मा का दूल्हा। ये मिल गया पहलवान, ये वो लौंडा अपने 25 पेटी लेके गोल हो गया। ये हमारे 25 पेटी लेके गोल नहीं हुआ, लंबा हो गया। अरे ये गोलकुंडा तो वही है जो उस दिन होटल में मेरे ही पैसे मेरे ही सामने पतंग की तरह उड़ा रहा था यार। और गिच्ची का गाड़ी भी नहीं चुराया जिसमें 10 करोड़ का हीरे। अरे एक टिकट में दो तमाशे। अब ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। अगर सीने से बाहर आया ये राज तो मैं हो जाऊंगा नाराज, और फिर तू बन के एक राज हो जाएगा इस थैले का हम राज। ये भी कोई बोलने की बात है पहलवान? अब पैसे मेरे घर को चल लेते हुए आते। क्या मतलब? तुम्हारा राज है ना मेरे पास, चलता हूं। कौन है रे? कौन तो भी है यारो? अरे पीछे से कहीं उठा रहे यारो। अनुज संजना तुम? थैंक गॉड। अरे वो है, तुम ठीक तो हो? या आई एम फाइन, पर अनुज कुछ गुंडे हमारे घर आए थे। तुम्हें कैसे पता चला? अरे जब वो लोग घर आए थे मैं वहीं थी। मिया अपने सर पे तो सेहरा बने ऐसा नहीं दिख रहा यारो। अब इस मुसीबत का क्या करना है? ये सारे मुसीबत की जड़ वो साला चाउस जिच्चा है। अरे वो सब तो ठीक है यार, अभी सोचो आगे क्या करना है। करना क्या है भाई, सीधा सीधा शहर छोड़ के भागना है। अबे चुप, वो हरामजादों का क्या करना है मेरे को मालूम, आओ मेरे साथ। अपना ख्याल रखना। और फिर हम लोग क्या करना? चल मेरे साथ। अनुज आई लव यू। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। अरे सॉरी, मैं एक बात बताना तो भूल गई तुम्हें। फिर क्या हुआ? अगले महीने की 15 तारीख शादी की डेट निकली है। किसकी? हमारी। हमारी? हाँ। ओह संजू आई लव यू सो मच। चल मामा, इसका भी काम हो गया। आप खामखा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। अरे मैं तुम्हारे ऊपर कब शक करना? अब क्या है शन्नू, 5 साल के बाद दुबई से आया हूँ, अब ये तो होता ही ना जी। हाँ बोलो क्या है? हम खालिद खान साहब से मिलने के वास्ते आए। अरे खालिद कौन की तीन पोटे आ रहे तेरे से मिलने को? अब क्या है भाई, कई कुछ चिल्ला रहे, कौन तो भी आए। शन्नू थोड़ी देर में आता हूँ, यही रहो तुम। अरे इनकी माँ के 7 साल की औलाद कहाँ के की, आज तो इन लोगों को चील कबों को खिलाई था तुमने को। सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे ये तो वो लौंडे है जिनके पास 10 करोड़ के हीरे हैं। हाँ बोलो क्या बात है? जी मैं खालिद हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ जो आपके पैसे लेके भाग गया था। ये आपकी अमानत आपको लौटाने के वास्ते है।
अंदर जाओ। तुम इधर बात करो। मेरी नीयत खराब हो गई थी साहब। मेरे इस गुनाह से कितने लोगों को तकलीफ पहुंची मेरे को इसका अंदाजा नहीं था साहब। इसके अंदर 20 लाख रुपए है साहब। और 5 लाख सर वो तो हमसे खर्च हो गए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके 5 लाख रुपए जल्द से जल्द लौटा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या? अगर मैं ये बोलूं ये 20 लाख रुपए भी तुम ही रख लो तो? आए भाई सुबह सुबह हमीच मिलेगा आपको। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दाल में जरूर कुछ काला है। आप क्या बोल रहे हैं? गाड़ी किधर है? कौन सी गाड़ी? एंटाइसर। वो तो शोरूम में होंगी खान साहब। मैं नई गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं अंकल? अबे परसों तुम लोग उड़ाए सो। हैदराबाद का परसों? क्या अभी परसों तो पल्सर थी ना। अरे नहीं यार उस दिन तुम लोग एक्टिवा पे आए थे। एक्टिवा तो पल्सर से पहले थी रे। ओ जिसकी स्टेपनी नहीं थी। अबे मैं एक्टिवा की बात नहीं कर रहा हूँ एंटीसर ही कर रहा हूँ। यादा वो एक्टिवा थी। नहीं 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 वो लूना थी। लूना नहीं सर वो तो पैशन थी। अबे चुप। अरे तो फिर कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं अंकल? बाजार तलवार लाओ। तलवार ये ले मार। अबे साले कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ? सर 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 चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू जल तू बाजार बीच में से बाजार हटाओ। मारो मार दो अंकल मेरे को। ये रोज रोज मरने से अच्छा तो एक बार मर जाना अच्छा है। लेकिन खुदा के वास्ते ये बता दो कि वो गाड़ी के अंदर है क्या मेरे बाप? अबे उसमें 10 करोड़ के हीरे हैं। पहलवान मेरी बात सुनो पहलवान। अरे कौन की मार रहे मेरे को यहाँ पर? कौन मार रहे वो? अरे कोई भी नहीं मारते बाजन जरा खामोश बैठो भाई। अरे वो हीरे कहाँ है? बोल बोल रे बोल। अरे मेरे को ना मारो मेरे को नहीं मालूम भाई। अबे साले तुम लोग मरवा देगा मेरे को। पहलवान मेरी बात सुनो पहलवान। जो भी अपन बैठ के बात कर लेंगे तो मार रहे हैं। अरे 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 सर वो तो निशान सर मारे सर नहीं मार रहे भाई। मामा अपन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए ऐसा दिख रहा। गिच्ची पैदल ऊपर से ये खालिद खान खुंदल खुंदल के मारे जैसा दिख रहा। मामा 10 करोड़ के हीरे अपने नीचे से निकल गए और अपने को खबर तक नहीं हुई। मेरे को तो ऐसा दिख रहा जैसे जैसे ऊपर वाला जब किस्मत बांट रहा था तो अपन छतियां लेके बैठे थे शायद। अबे चुप जरा सोचने दे। वो गाड़ी तो पुलिस वाले लेके गए थे ना। बैगन मेरे को क्या मालूम थोड़े दिनों में मैं अपना नाम भूल गया जैसा दिख रहा। अरे हाँ ये तो वही हीरे जो कि म्यूजियम से चुराए गए थे। इसका मतलब है वो हीरे गिच्ची चुराया। हो भी सकता है पर मुझे तो ये बहुत बड़ा रैकेट लगता है। चलो महबूबा महबूबा बना लो मंजे दूला जला दो मेरा चू। ये हटेला मेरी जिंदगी से हटता ही नहीं रे बाबा। हेलो कौन बोल रहे बाबा? तेरा बाप। अरे वो तो मेरी माँ की शादी से पहले इंतकाल कर गए बाबा। अबे हरामी हीरों का क्या हुआ? हीरों का कौन से हीरे? एक राख मजाक मत कर। अरे दे 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 दे, क्या टाइम पे फोन किया भाई जान? किराग भाई का तो इंतकाल हो गया। हम उनके जियारत को जा रही। आप अपना एड्रेस देते हम न्याज पहुंचा देंगे आपके यहाँ। अबे साले तेरी आवाज नहीं पहचानता हूँ समझ रहा है? किसको बेवकूफ बना रहा है? नहीं भाई मैं सही बोल रहा मेरी बात का यकीन करो। किराग भाई का इंतकाल हो गया उन्होंने मर गए बाबा। अबे तू मेरी इजाजत के बगैर मर भी नहीं सकता। तेरे लिए तो मेरा जूनियर हटेला ही काफी है। अब आ रहा है इंडिया को तेरा दम निकालने के लिए। अरे बाप रे बाप। गिच्ची की गिच्ची चलो। ये कहां से आ गया रे गेंडा? चिचा ये संभालो आपके पैसे नहीं तो हम पुलिस स्टेशन में देने जा रहे थे। पैसे नहीं होना मेरे को। बेखुफा मर गए औलाद को छोड़ गए संभालना हमको पड़ रहा। क्या बोला रे क्या बोला? नहीं अंकल मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ क्या? कहाँ है रे गाड़ी? कौन सी गाड़ी चिचा? फिर मजाक कर रहा चिचो रे? तीनों को ले जाके हिजड़ों में डाल देता हूँ जिंदगी मजाक बना देता हूँ। चिचा चिचा हम तुम्हारे भतीजों के जैसे है ना चिचा? भतीजों के जैसे है? अरे याकूब ले रहे अंदर तीनों को अंदर गाड़ी में डाल।
बताओ रे गाड़ी किधर है? कौन सी गाड़ी चीचा? बताओ रे। खुदा के वास्ते छोड़ दो अंकल, हमको कुछ भी नहीं मालूम। हम आपको सूरतों से चोरा दिख रहे हैं क्या चीचा? जरा गौर से देखो कितने भोले हैं। अब आप भोले हैं तो ये हाल है, होशियार रहे तो शहर को खा जाते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबे वो अंग्रेज की औलाद। अरे अंकल अंग्रेजी में मैं बात कर रहा, इन्हें बात कर रहा, इसको मारो। Listen, Mr. Khalid. अभी तुझे बैठ। अंग्रेजी सुन के अंकल भड़क जा रहे ना। अरे रे 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 रे, तुम लोग इंसाना है रे, रविंदर भारती के आर्टिस्ट हैं, बोलते नहीं यही काट के फेंक डालू क्या? तो भी बोलना अंकल। अब दे तो रे कान भैरी। याद आया, मगर हमारी एक शर्त है चीचा। अबा शर्त भी है? हमारा नाम उसके सामने नहीं बोलना चीचा, बहुत खतरनाक है। उन कौन है रे उन्हें चीचा? वो उन, अरे नको बोल रहे उसका नाम, हमारे साथ साथ ये बेचारे भी चले आते। बोलो रे कौन है उन्हें? कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं चीचा। अरे कौन तो भी है बोल रहे? सी मिस्टर खान। अरे सी ना डी। क्या हुआ? मेरे मर्द को सब मालूम हो गया, तुम्हारा मेरा चक्कर चल रहा बोल के मेरे को काट डालता उन्हें। आ रहे चुंगा। अरे भाग जाओ। तुम कहाँ जा रहे? अरे तू करी तू मर। हा? साली खट्टी बिसाल बासी दाल, जाने दे मेरे को। कहाँ छूट रहा तू झींगे मच्छर? छोड़ मेरे को। मजा लेने के टाइम पे मजा लेने आया, अब जब सजा का टाइम आया तो भाग जाने को देखता भगोड़े। मैं तो मरूंगी छोड़ूंगी, तेरे को भी मार मार के चलाऊंगी। अरे छोड़ दे मेरी माँ, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, अपनी बीवी का एक लौता मरा दूँ, जाने दे मेरे को। अरे जाने दे, अब जाने दे मेरे को। अच्छा आप जाने दो। वो सुन तो मैं देखते हूँ रानी हार हो रहा ना। तो उसका नाम चाऊश है। संभल के जाओ चीचा, गिड्डा भूत बदमाश है, घर में घुसते ही डिच्चा मार के सर फोड़ डालता। अपने से ज्यादा। चलो रे चलो देखेंगे। आप जाइए हमारे। अबे क्या डर रहे रे, वो गिड्डे के पैरा पकड़ के धोबी पछाड़ मार देता हूँ। चलो चलो रे चलो। क्या मामुआ है रे, बैग उठा। अरे ये चाऊश कौन है रे? भाई माफ कर दो, भाई माफ कर दो, आज के बाद से पलट के नहीं देखूंगा भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो मेरे। अबे अबे क्या कर रहा है? छोड़ भाई, पहले आप मेरे को माफ कर दो भाई, मेरे को माफ कर दो पहले आप। अबे प्लीज माफ कर दो। अबे क्या कर रहा है? मेरी कोई गलती नहीं है भाई, पूरी गलती उसकी है, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात का यकीन मानो, अल्लाह के वास्ते यकीन मानो भाई। मैं रास्ते से जा रहा था, उन्हें गुलाब फेंक के मारी और मैं जवानी के जोश में बह गया और नो एंट्री में घुस गया भाई। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ भाई। अबे किसकी बात कर रहा है तू? वो भाई, वो आपकी बीवी की भाई। क्या? आज मैं आपको जबान दे रहा हूँ भाई, चाऊश की जबान पत्थर की लकीर समझ लो भाई, अगर पलट के गलती से भी इधर दिख गया ना भाई तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो भाई। मेरे को पहले से शक था रे उसके ऊपर, अब घटा रे तू गाजर की पेंदी। याकूब मारो रे साले। अबे वो गाड़ी कहाँ है? कौन सी गाड़ी भाई, कौन सी गाड़ी बोलो? अबे वो जो खालिद और लड्डू तेरे को बेचे एंटे सा। अरे नहीं भाई, मैं कौन सी भी गाड़ी नहीं खरीदा, मैं सही बोल रहा हूँ भाई, असल में वो लगा तुम्हारे को भी बेवकूफ बना के चले गए भाई।
सही बोल रहा भाई, अच्छा बैंड बजाए भाई। अरे अब उनका भी बैंड बजाना पड़ता मेरे को, चलो रे। जाओ जाओ, अपनी हालत करके जा रही। साले फिर निकल गए। सर का दर्द बहुत महंगी पड़ी इन्हें मेरे को। तोबा तोबा, अब की बार दूसरे की थाली में मुंह नहीं मारूंगा। ये लौंडे मेरी क्या हालत कर दी हराम को तुम लोग। सालो एक बार खटोरे मेरे को तुम लोग, तुम लोग के खून से मैं नहाऊंगा रे। क्या हालत हो गई रे मेरी। तुम कल जाऊंगा अरे मिया, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये हीरे अपने को कितना परेशान करते हैं कि क्या है कि। अरे 10 करोड़ के हीरों के चक्कर में पूरा गांव पीछे पड़ गया ना आपने। भरी जवानी में दर दर के ठोकरा खा रहे हैं। और क्या क्या देखना बाकी है कि नहीं मालूम। हमें कुछ नहीं होगा जब तक हम हीरो का पता नहीं बता देते, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बैगन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो सब कुछ हो गया ना, इधर हमारा तो सुखा सुखा मामला है। जल्दी चल मुस्कान, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत शौक था ना रे तेरे को पलान बनने का, बड़े बड़े लोगों में बैठने का। देखिए क्या हुआ, अम्मा सही बोलते थे, मत पड़ रही है चक्करों में, मत पड़ रही है चक्करों में, पर नहीं सुना। बड़ों की गाफ में घुसे तो अटक जाते बोलते थे, अब वो हुआ ना साले। हाथों पाँव में दम नहीं, हम किसी से कभी नहीं। अब भुगत साले। ये कौन से जन्म की सजा भुगत रहे हैं हम लोग। लोग मिस्टर अनुज डोंट टू वरी खालिद, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नाजिया मुस्कान अभी तक आए नहीं। वो ये चाउस लौंडियों के पीछे क्या कर रहा है? तुम लोगों के आते हुए कोई देखा तो नहीं ना? आप लोग ठीक हैं? हाँ हम लोग ठीक हैं। क्या बात है, बहुत दुबले हो गए जी तुम। तुम देखना है जी बंद कर दिए। नाजो तुम जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। तुम तीनों उधर जाओ, हम लोग इधर जाते। चलो अनुज चलो रे चलो। हेलो पैदल अन्ना, चाउस बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। पहलान वो लौंडों का पता चल गया। हाँ? वो लोग गोलकुंडा किले में। अच्छा तो तू कहाँ है वे? गोलकुंडा में। तो वो क्या देखता है गोलकुंडे? हाँ? पकड़ो हाँ? मुझे नहीं लौंडों को। बहुत भगा लिया तुम लोग मेरे को, अपने होता कुत्तों की तरह भगा इस सालों तुम लोग मेरे को। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बना जिंदगी बर्बाद करके मेरी हालत फकीरों से भी बदतर बना के रख दिया हराम को तुम लोग। क्या बोल रहा है रे? बता मेरी मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी की तरह बोल, नहीं तो मैं तो डाल लूंगा। अरे 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 मेरे को सामने का गुटा कर रहे हैं बोल नगो अरे नगो नगो जल्दी बोल। बैलान बैलान नीचे तुम्हारे गोली मारा। सर 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए सर प्लीज प्लीज। अरे 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 मार की टक्कर रे मेरे को खून धारा मत रखो, रोको उसको। अरे इसको क्या होगा देख ठीक है साहब। प्लीज से जाओ रे, अकेले से जान छुड़ाओ रे। भागो रे भागो रे भागो रे। अरे किंची क्या मेरे को यहाँ से वहाँ भगा रहा रे? मैं तेरे को खिला पिला के मुस्टंडा किया, तू मेरे को हीरे दे, मैं तेरे को हीरो बना के छोड़। अल्लाह
वीराने में फूल खिले गुलशन में बाहर आई। अरे ठहरो अपने से नहीं होता रे। पहचाना नहीं, पहचाना नहीं रे मेरे को। अरे सीनू यादी, अरे 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 क्या पूरे गांव वालों को बुलाता क्या रे? क्या होना तेरे को? कई के 25 लाख कौन से दिया ना तेरे को? अच्छा वो आ जा जा उधर। अरे अरे किधर? अरे देखो आ रास्ता किधर तो भी जा रहा रे। अरे कहाँ चले गए तुम लोग? बन गया, मेरी जिंदगी बन गई, मेरी जिंदगी सवार। तू अभी तक जिंदा है? परान, पहले ही फुटके हलवा हो गई। परान, बच्चा समझ के छोड़ दो ना परान। बच्चा? अरे तू तो लुच्चा है, मारो साले को। अरे अरे ना मारो, अरे ना मार तेरे मर गया। अरे बाबा, ए तू इधर खड़े रहे। अरे मैं इनके पीछे दौड़ता रहूंगा तो मेरी शादी कभी होगी बाबा। अरे इधर भाग जा, आ जा जा जा। अरे रुक, अरे जॉन ब्राउन की डुप्लीकेट तेरे चिकने साथ है, किधर है? रुक 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 रुक। क्या लाइफ, क्या हो रहा है? इधर जल्दी, बहुत जल्दी को। भाग भाग के बहुत थक गए। चलो कुछ गाना वाना गाते। चलो ना गाना गाते हैं। ए, अब गाना हम अगले पार्ट में गाएंगे, पहले इसका तो क्लाइमेक्स कर दे। तुमने पुलिस को बोला? हाँ, बस अभी आती होगी थोड़ी देर में। और ये अनुज कहाँ है? अरे संजना कहाँ है? संजना कहीं? उन लोग तो गाना नहीं गा रहे। एक काम करो, तुम लोग उधर देखो, ठीक है? हम लोग इधर देखते। अच्छा ओके, चल रहे लड्डू चल। अंग्रेज राज तू नहीं बच सकता। अरे रुक रे, अरे वो, अरे गाड़ी कहाँ रे? मोटरसाइकिल में हीरे आ रही है। अरे कहाँ रखे रे? कहाँ छुपा के रखे? अरे तमिल की औलाद। अरे अरे वो खरगोश कुदक कुदक के भाग रहा क्या? रुक साले, ईडूजा का भाई है क्या तू? कहाँ होगी संजना? संजना, थैंक गॉड तुम लोग मिल गए। वेरा द गाइस, पता नहीं, चलो देखते हैं। अरे नहीं यार, वो नहीं हो सकता। वो
को बात ही नहीं है वो। अरे 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 वो नहीं, अरे अरे चल ना। अरे क्या है? अरे हर जगह फकीरा हो गए, रोडों पे गलियों पे, अब क्या पुलिस स्टेशन में छोड़ दो तुम लोग? माफ कर। वाह, अरे इंस्पेक्टर साहब बेग को थप्पड़। अरे कहाँ तो भी लेके जा रहा जली। अरे 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 तू क्या कर रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे ऑटो, अरे इंस्पेक्टर साइबर बेग को मारता, तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा। जीप किधर है? सीआई साहब लेके गए साहब। चलो बाप रे बाप, ये सांडों का सांड, ये कहां से हटेला, ये कैसे भी हटेला नहीं बाबा। अरे तू कहां लेके आ गया? अब बोल रहे कहाँ जाता बच के? अब बता कहाँ है रे? बोल रहे क्यों है? अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं उस हरामजादी के घर जाना छोड़ दिया और तुम्हारी माँ से यह भी वादा किया हूं कि मैं जब भी वापस लौटूंगा अपने बेटे के साथ लौटूंगा। चलो पकड़ पकड़। कहाँ हीरे? हीरे कहाँ? कौन से हीरे भाई? पता हीरे किधर है? हमको नहीं मालूम। बलान बलान बलान, ये लोग ऐसा नहीं मानने वाले। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बता हीरे का है, नहीं तो छे ही छोटा कर दूंगा। बलान वो रही मेरी गाड़ी जिसमें भागो। हट जाओ, वो गाड़ी मैं लेकर आऊंगा। सर, कमिश्नर स्पीकिंग, साइबर बैग रिपोर्टिंग सर। अपन कहीं को भाग रहे? अरे हीरो के लिए यार। हीरो के लिए? अरे भाई वो तो अबे साले चिटर दिखा दिया ना फिर से अपने हाथ का कमाल। दे ताली। बता हीरे किधर है? नहीं, वो गिरा क्या मानस है? नहीं बता, आया गोली डाल दूं। भाग रहे यार, भाग रहे यार।
घेर ले इन सबको, कोई भागने ना पाए। मेरे सरकारी सांडों की गैंग भी पकड़ी गई यार। जान बची लाखों पाए, दौड़ के बुद्धू खर को जाए। किराक, यू आर अंडर अरेस्ट। सर एक मिनट की मोहलत सर, सारी जवानी दूल्हा बनने के फिराक में रह रहे भाई, खुद ही पगड़ी पहन लेता हूँ, हवालात पे जा रहा हूँ भाई। भाई दूल्हा, पुलिस वाले भारती बाबा, फॉलो मी, लेके चलो बाबा, दूल्हे का हाथ पकड़ो बाबा, आ जाओ लेके चलो। चलो। Well done boys. ये लीजिए साहब हीरे, देश की अमानत। यही वो हीरे हैं जो म्यूजियम से चुराए गए थे। साहब ये हीरे बचाने के लिए हम लोग सब अपनी जान लगा दिए साहब। Well done boys, I am proud of you. इनाम दे रहे ना साहब। सर मैंने सुना है यही कोई 20% मिलता। हाँ तुमने ठीक सुना है, वक्त आने पर इत्तला दे दी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। ये 10 करोड़ का 20% होता कितना है रे? बोलो बोलो। 2 करोड़। ससुर ने लेने भेजा लोहे का हाथ, चले तन तन के सरकारी दूल्हा बन के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल चले हैं। बैठ रहे की चीज तुम बताता भाई, आजकल मैं सुना पुलिस डिपार्टमेंट में लेडीज पुलिस भर्ती हो रही। मामू तुम फिक्र न को करो, तुम्हारी हल्लक में डाल बिन के स्पीकर दला देता हूँ। और चीचा तुम्हारे को आँखा भी क्या करता, तू देता क्या? मैं कहीं को तुम्हारा दामाद देता। अरे पागल हो गया क्या, मेरे को पागल कुत्ता काटा, मैं तो हॉलीवुड जाके हीरो बनूंगा। वैसे पप्पा पप्पा, अरे हाओ जी पप्पा, तुम फिक्र न को करो, मैं तुमको प्लेन के हेडलाइट दिलाता हूँ, हेडलाइट। अरे बहुत पैसा आने वाला अपने पास। क्या करते हैं कि क्या है, हाई सो सामान बेच को खाते हैं कि क्या है? हमारे ऑटो बाबा, ऑटो चलते या खुद पूरा जाना है? अरे अरे सोने के वास्ते आए, काम करने के वास्ते आए या तुम? अरे लड्डू, इनके खानदान का दिख रहा है मेरे को, वैसी दिख रहा। अरे ये मैं कहां तो भी आ गया। अबे तू नाजू भाग,